कनेक्ट हुए, म्यूट करके रखे। नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जस्ट एक दो मिनट अभी बाकी है, कनेक्ट हो लीजिए आप लोग। प्यारे विद्यार्थियों, आज नीट में कक्षा 11 यानी कि आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट पेपर का सेकंड चैप्टर है। कल हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी कर लिया था और इसके सारे डाउट्स हम लोगों ने जितना भी है उसका विश्लेषण कर लिया था, क्लियर कर लिया था इसको। और लास्ट में टैक्सोनॉमी का एड है, लेकिन बाद में मैंने देखा कि वो रिड्यूस चैप्टर में है तो उसे नहीं पढ़ना है। यानी कि कल हम लोगों ने अपना गोल अचीव कर लिया था और एक दिन का हमारा वादा जो था कि एक दिन में एक चैप्टर, तो कल हमने फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड कंप्लीट कर लिया था और आज नंबर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर ओपन है। आप सभी लोग अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और रजिस्टर ले लीजिए, नोटबुक और साथ में पेन, हाइलाइटर, मार्कर जो भी आप यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां जहां हमारी पेन चलेगी वहां वहां एनसीईआरटी पर पेन चला लेना और जिस लाइन को एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी में साइड में पर्याप्त जगह होती है, तो आप चाहें तो वहां पर नोट कर लेंगे या फिर अपनी नोटबुक में इसे नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम हो चुका है, एग्जैक्ट 7:30 हो गया है। लक्ष्य हमारा है कि आज इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, इसको पूरी तरह से समझेंगे, इसका कोई भी डाउट आज बचने नहीं पाएगा। इस बात को ध्यान में रख करके स्टार्ट करते हैं। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि इतनी बड़ी बायोडायवर्सिटी है और इसको पहचानने के लिए, समझने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन के तरीके क्या क्या होते हैं, तो आपके एनसीईआरटी के इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर लिखा है कि मनुष्य अपने यूज के लिए पेड़ पौधों का क्लासिफिकेशन करता था और यह जो क्लासिफिकेशन था कि उनको किस रूप में हमें यूज करना है, उनसे फाइबर प्राप्त करना है, उनसे भोजन प्राप्त करना है, उनसे वेजिटेबल प्राप्त करना है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि सब्जी वाले पौधे, जैसे कि रेशा उत्पादक पौधे, जैसे कि फल उत्पादक पौधे, जैसे कि वेजिटेबल पौधे, इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया था। बट दिस कैटेगराइजेशन वॉज नॉट साइंटिफिक एंड ऑफ नो यूज। द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जो अप्रोच थी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का, दिस वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेड बाई अरिस्टोटल। अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले प्रयास किया था, क्या करने का, क्लासिफाई करने का, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का पहला प्रयास जो किया था वो किसने किया था, अरस्तु ने, अरिस्टोटल। अब देखेंगे यहां फर्स्ट पेज पर, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। परंतु ये बहुत ज्यादा, इनके कहने के अनुसार ये साइंटिफिक था, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था, ऑफ नो यूज। आज अरस्तु के द्वारा जो किया गया क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑफ नो साइंटिफिक यूज, बट इट इज ओनली ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इसका केवल ऐतिहासिक महत्व बचा हुआ है। ये कैसे क्लासिफाई करते थे, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि जो एनिमल्स थे उनको क्लासिफाई कर दिया, किस आधार पर, कि एनिमल्स विद रेड ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट रेड ब्लड, इस आधार पर इन्होंने एनाइमा और इनेमा में क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पर था, इन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में कैटेगराइज किया था और एनिमल्स को किस प्रकार कैटेगराइज किया था, कहने लगे जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है, विदाउट रेड पिगमेंट, तो ऐसे एनिमल्स। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिनमें रेड ब्लड था इनको बीवी पेरिस और ओवी पेरिस के आधार पर क्लासिफाई किया, मींस बच्चे देने वाले प्राणी और अंडे देने वाले प्राणी। ये कोई क्लासिफिकेशन थोड़ी ना था कि जैसे अंडे देने वाले प्राणी, तो अभी अंडे देने वाले प्राणी ढेर सारे हैं जो अंडे देते हैं, सबको एक साथ रख दें क्या, तो अरस्तु की इस बात से हम संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि अगर हम हर्ब्स की बात करेंगे तो पालक भी हर्ब है और तमाम वेजिटेबल जैसे कॉलीफ्लावर है ये भी हर्ब है, तो क्या ये दोनों एक ही प्रकार के प्लांट हैं? जी नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये बहुत ही वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था, लेकिन जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, द फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट एंड एनिमल वाज डेवलप्ड बाय
तो इट वाज दिस वाज अरिस्टो अरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक, तो दुनिया में प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई करने का सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया था अरिस्टो ने सबसे पहले किया था। उसके बाद कौन आए, लिनियस। लिनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इन्होंने सारे प्लांट्स को एक साथ रख दिया और सारे एनिमल को एक साथ रख दिया। तो कुल मिलाकर के दो तरह के किंगडम इन्होंने किसने, लिनियस ने, इन्होंने दो तरह का, एक तो हो गया किंगडम एनिमल, किंगडम एनिमेलिया, और दूसरा हो गया किंगडम प्लांटी। दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म के लिए दो किंगडम अलॉट कर दिया, एक किंगडम में सारे एनिमल को भर दिया और दूसरे किंगडम में सारे प्लांट्स को भर दिया। अब इन्होंने प्रयास तो अच्छा किया था लेकिन यह प्रयास भी इनसफिशियंट था। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में ढेर सारे ड्रॉबैक्स थे। तो आपसे सवाल इनके ड्रॉबैक्स पर बनेगा कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कमियां कौन सी थी। जैसे इन्होंने प्लांट्स के अंतर्गत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म को रखा इस आधार पर, मात्र इस आधार पर कि उनमें उनकी सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी हुई है। अब आपको मालूम है कि एनिमल में, किसी भी एनिमल में सेल ऐसी होती ही नहीं है जो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल रखती हो। दुनिया के किसी भी एनिमल सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई, छोड़ दो सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है, वो सेलुलोज की बनी है किसी और चीज की बनी है यह कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इन्होंने मात्र इस आधार पर कि प्लांट की जो सेल है उसमें सेल वॉल है और वो सेलुलोज की बनी हुई है, इन्होंने उठा करके इसको सबको प्लांट्स को एक साथ रख दिया। ड्रॉबैक यहां पर यह था, वो कौन कौन से ड्रॉबैक थे जरा ध्यान दीजिए, ये ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे, ये कौन से ड्रॉबैक्स थे। तो अब आप देखिए यहां स्पेस मिल रहा आपको, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो ड्रॉबैक्स थे जरा आप देखिए ये कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे। पहला तो ये हुआ कि इन्होंने यूकैरियोट और मोनोकैरियोट दोनों को, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को एक साथ रख दिया। यूकैरियोटिक प्लांट एंड प्रोकैरियोटिक प्लांट इन दोनों को एक साथ रख दिया। क्यों रख दिया, सभी की सेल में सेल वॉल है। अब इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिए गए। मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सबको एक साथ उठा के रख दिया। ये कौन कौन से थे, अब ग्रुप में अगर देखें तो बैक्टीरिया थे, सभी प्रकार के बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, सारे प्लांट ग्रुप्स को उठाकर एक में रख दिया, और एंजियोस्पर्म्स। यद्यपि इनमें ढेर सारी कमियां थी, ढेर सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन सभी प्लांट्स को उठा करके एक ग्रुप में किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। अब जरा सोचो कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जैसे आम के पौधे को आप ले लीजिए, अब इनके साथ अगर बैक्टीरिया को रख दें तो बहुत अंतर है, जेनेटिक लेवल पर तो अंतर है ही, है सेल वॉल का भी अंतर है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई गई, इस आधार पर उन्होंने उठा के इसको प्लांट में रख दिया, परंतु इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई है। और अगर हम बात करें नीम के पौधे में या आम के पौधे में या अन्य किसी ग्रीन प्लांट्स में, बैक्टीरिया को यानी प्रोकैरियोट को छोड़ दें, तो जो सेल वॉल पाई गई वो कैसी थी, तो वो पता लगे कि उसमें सेलुलोज पाया जाता था। तो सेल वॉल के केमिकल कंपोजिशन में ही अंतर है, जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें सेलुलोज है और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई है। तो ये पर्याप्त डिफरेंस होने के बावजूद भी, और सेल के ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफरेंस है, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है बैक्टीरिया का और बाकी जितने प्लांट्स हैं सब में यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ड्रॉबैक था वो ये था कि प्रो और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। किसको किसको रखा, प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इन दोनों को एक साथ रख दिया टुगेदर। किसने, लिनियस ने अपने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यह एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हुआ। ठीक, दूसरा यह था कि फीडिंग हैबिट इनका, अगर हम देखें न्यूट्रिशनल जो
इनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी डिफर कर रहा था। जैसे बैक्टीरिया है तो सभी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया नहीं गया, यद्यपि प्लांट का फीचर यही है कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो उनमें क्लोरोफिल होना चाहिए। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल था ही नहीं और वो डिपेंडेंट होते थे दूसरे पर, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट के साथ रखा गया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो पहला ड्रॉबैक तो प्रो यूकैरियोटिक सेल को एक साथ रखा, दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स दोनों को एक साथ रख दिया। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटरोट्रॉप्स वो हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है। आप देखिए जो हेटरोट्रॉप्स हैं इनमें कौन आए? बैक्टीरिया आए, और कौन आया? फंजाई आ गए। किसी भी फंजाई में क्लोरोफिल नहीं है, सारे फंजाई हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक में या तो वो पैरासाइट होते हैं या सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो फिर क्या फंजाई को ग्रीन एल्गी के साथ रखना उचित है क्या? लिनियस ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। फंजाई जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, नॉन क्लोरोफिलस एंड क्लोरोफिलस प्लांट्स वे आर पुट टुगेदर, इवन दे डिफर इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बात समझ में आ गई, साथ ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया, ये अच्छी बात नहीं थी। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल का ऑर्गेनाइजेशन पर्याप्त डिफरेंस था, इसमें फिर भी उठा के रख दिया। ठीक, तो इस तरीके से इसमें तमाम तरह के ड्रॉबैक्स थे। यूनिसेलुलरिटी और मल्टी सेलुलरिटी का ध्यान नहीं रखा गया। पता लगा कि अब यूनिसेलुलर एल्गी है और मल्टी सेलुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, दोनों को एक साथ रख दिया। तो यहां पर सेलुलरिटी का भी ध्यान नहीं रखा गया, यानी थायलस ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान नहीं रखा गया। तीसरा पॉइंट यह था कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, इन सभी को एक साथ रख दिया, यह गड़बड़ी थी। तो ये कौन कौन से ये ड्रॉबैक्स आपकी बुक में यहां पर लिखे गए हैं, जो कि मैं आपको थारोली समझा रहा हूं, ये कहां लिखे हैं जरा ध्यान दीजिए। प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने डिवाइड कर दिया। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश। देखिए यहीं से डिफरेंस शुरू हो गया, यहां से कमी निकालना शुरू कर दिया कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। देखो अभी पहली बात हमने जो आपको समझाया था वो यहां मेंशन है, कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में कोई डिफरेंस लिनियस ने मेंटेन ही नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब आगे चलेंगे, उसके बाद क्या करें? देखो यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हमने यहां नीचे दिया है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई डिफरेंस नहीं था। यूनिसेलुलर एल्गी और मल्टीसेलुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दोनों को एक साथ रख दिया। भेड़ बकरी दोनों को एक ही घाट पर पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, मिस्टर लिनियस, ये गलत था। आगे नॉन फोटोसिंथेटिक, देखिए फंजाई को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर उठा करके और फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स के साथ रख दिया गया, क्या मजाक किया साहब आपने। फिर इसके बाद आगे ये कह रहे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, ये बात सही थी कि समझना बहुत आसान था। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स डिड नॉट फॉल अंडर इनटू आइदर कैटेगरी, मतलब इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे ना वो एनिमल को बिलोंग करते थे ना वो प्लांट को बिलोंग करते थे, फिर भी रखे हुए किसी न किसी एक ग्रुप में। हेंस द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट बनता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी गलत हैं। तो आपको इन लाइनों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से अगर हम देखें कि द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये एक स्टेटमेंट बनेगा, ये लंबे समय तक चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि लिनियस के पैरेलल कोई दूसरा साइंटिस्ट था ही नहीं उस समय कि जो इन ड्रॉबैक्स के आधार पर कोई नई खोज कर देता। लिनियस के काफी समय के बाद 1969 में फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आरएच बिटेफर के द्वारा दिया गया था, लेकिन उसके पहले करीब 100 वर्षों के आसपास जो समय था लिनियस का वो ऐसा पीरियड था जिसमें केवल टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जलवा था उस समय, क्योंकि इनका कोई विरोध करने वाला नहीं था। तो ये लंबे समय तक चर्चा में था, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखना है। यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इजी टू अंडरस्टैंड, और क्या था? बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, बाहर से ही लक्षणों को देखकर क्लासिफाई कर दिया। और नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा कि उसमें जो है ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है, इसका ध्यान नहीं रखा। नेचर ऑफ वॉल, अभी हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई सेल वॉल है और ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज, दोनों को उठा के एक साथ रख दिया, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए था जो नहीं रखा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा, हैबिटेट का ध्यान नहीं रखा। अब पता लगा कि कोई
एक्वाटिक प्लांट है, कोई लैंड में रहता है, कोई पैरासाइट है, कोई कुछ और है, ध्यान ही नहीं रखा इन चीजों का। और क्या है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन का ध्यान नहीं रखा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सारी चीजों का ध्यान टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं दिया गया। यही सारे ड्रॉबैक्स थे। अब कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। जी हाँ, क्लासिफिकेशन के तरीके समय के अनुसार चेंज होते गए। टू किंगडम आया, फिर थ्री किंगडम सिस्टम आया, फिर उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम आया। थ्री किंगडम सिस्टम आपके कोर्स में नहीं है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सीधे फाइव पे आएंगे। और फिर इसके बाद क्या हो गया, अभी भी क्लासिफिकेशन के तमाम नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्लासिफिकेशन का कोई ऐसा नहीं है कि एक नियम बना दिया गया तो इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, आगे अभी और चेंज होने की संभावनाएं हैं। तो इसलिए समय के अनुसार इसमें मॉडिफिकेशन होता गया। अब देखो ये स्टेटमेंट का बनेगा, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन केवल टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर ही बन जाएंगे। कितने कितने, तो टू किंगडम सिस्टम के कितने ड्रॉबैक थे जरा लिस्ट देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक साथ, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ, हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक एक साथ, बात समझ रहे हैं, हैबिटेट का ध्यान नहीं रखा, सेल की बनावट का ध्यान नहीं रखा, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन इसके साथ और भी क्या बातें सही है कि टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बहुत लंबे समय तक चर्चा में रहा, लंबे समय तक इसको मान्यता मिली, क्योंकि लिनियस के पैरेलल कोई साइंटिस्ट इसको चैलेंज करने वाला था ही नहीं, बात समझ गए। अब समय के साथ साथ मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, ऐसे कई स्टेटमेंट्स दे देंगे। अगर आप एनसीईआरटी के इस पैराग्राफ को सही से पढ़े हैं क्वेश्चन निकाल लेंगे, अदरवाइज कोई एक स्टेटमेंट पर से ध्यान आपका भटक गया तो पूरा सवाल चला जाएगा। इसलिए आपको थारोली इन सभी लाइनों को पढ़ना है, आपको थारोली इन सभी लाइनों को पढ़ना है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में गलती कर बैठेंगे, ये ध्यान रखना इसको। तो एक एक स्टेटमेंट को एक एक लाइन से पढ़ना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। आप तो नए स्टूडेंट हो, अभी जस्ट इस साल परीक्षा में बैठने जा रहे हो, यहां आप गलती कर सकते हैं, इसलिए इन स्टेटमेंट को थारोली पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का हमने सारा ड्रॉबैक निकाल कर आपके सामने रख दिया है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। द नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम। इस लाइन से कोई सवाल नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये हम आपको अभी पहले ही बता चुके हैं और ये इसमें कोई सवाल पूछने जैसा है भी नहीं। बस केवल इतना जान लीजिए, जब हमने ये कह दिया कि क्लासिफिकेशन का पैटर्न टाइम के साथ साथ चेंज होता चला गया तो यहां पर भी चेंज हुआ। ओके, ये पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। और एक सवाल यहां पर बनेगा, वो है टू किंगडम सिस्टम के कितने ड्रॉबैक्स थे, ये हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले पेज पर, नेक्स्ट। देखिए ये टेबल आपके सामने है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने चल रहे हैं। इस टेबल पर हम बाद में आते हैं। इन ईयर 1969 आरएच विटेकर थे जो फाइव किंगडम सिस्टम के जनक थे। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके बारे में इन्होंने समझाया। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पांच किंगडम की चर्चा किया इन्होंने। ये कौन कौन से थे? पहला किंगडम था मोनेरा। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जब एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उसके ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए आर एच विटेकर महोदय ने 1969 में पांच किंगडम में डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का नाम क्या पड़ा? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें मोनेरा था, दूसरे नंबर पर प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पर फंजाई, चौथे नंबर पर प्लांटी और पांचवें नंबर पर एनिमेलिया। दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म को आर एच विटेकर महोदय ने पांच किंगडम में क्लासिफाई कर दिया और इस सिस्टम का नाम पड़ा फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला सवाल यहां पर यह बनेगा कि आर एच विटेकर को फाइव किंगडम सिस्टम का पैटर्न देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज विद लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉबैक्स, उसकी ढेर सारी कमियां थी। अब क्वेश्चन यह है कि आर एच विटेकर ने इन कमियों को किस आधार पर दूर किया? तो सबसे पहली कमी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किस बात की थी?
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया था। चलिए साहब, हम इस ड्रॉबैक को रिमूव कर रहे हैं। वो कैसे? हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट ग्रुप अलॉट कर दिया। क्या नाम पड़ा इसका? मोनेरा। इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए, ऑल प्रोकैरियोट्स। सभी प्रोकैरियोट्स को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया गया, मोनेरा में। जी हां, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनेगा, दुनिया के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को कहां रखा गया? एक सिंगल किंगडम अलॉट कर दिया, किंगडम मोनेरा, और बाकी जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म थे इनको एक सेपरेट ग्रुप बना दिया गया। तो हमारा जो पहला ड्रॉबैक था, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, इस पॉइंट को रिमूव कर दिया गया कि साहब चलो ये कमी थी और हमने दूर कर दिया। हमने सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में डाल दिया, बाकी जितने थे सबको यूकैरियोटिक। इसका मतलब कि मोनेरा को छोड़कर रेस्ट जो ये फोर किंगडम्स हैं, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के किंगडम हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर था। इन्होंने कहा जिनमें क्लोरोफिल है वो एक साथ, जिनमें क्लोरोफिल नहीं है अलग। अब क्लोरोफिल नहीं है तो इनको अलग कर दिया, किसको? इनको। तो अभी इसके बाद नंबर दूसरे पर क्या था? सेलुलरिटी का ध्यान था कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक साथ रखे गए थे। इन्होंने सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रख दिया। तो ये कौन थे? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो कि ये यूनिसेलुलर तो थे ही, ये ऑर्गेनिज्म क्या थे? ये यूनिसेलुलर थे। कौन? प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर तो थे ही, साथ में यूकैरियोट थे। इन्हें रख दिया गया, इन्हें उठाकर रख दिया गया, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल के बने थे और वो सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाली थी, इसको उठा करके हमने क्या किया? इनको एक ग्रुप में डाल दिया। किंगडम का नाम पड़ा प्रोटिस्टा। दिस किंगडम वाज प्रोटिस्टा। यहां पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया, राइट। अब बात करेंगे कि न्यूट्रिशन के आधार पर, तो देखो फंजाई को अलग कर दिया, इनके पास क्लोरोफिल नहीं था तो इनको दुनिया के बाकी एनिमल से अलग कर दिया कि साहब तुम्हारे पास क्लोरोफिल नहीं है और चलो, और तुम्हारी सेल वॉल में जो काइटिन पाया जाता है और दूसरे जो ग्रीन प्लांट्स है उनमें सेलुलोज है और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकान, तो जो सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट था उसके आधार पर भी डिफरेंस यहां मेंटेन कर दिया गया कि पेप्टाइडोग्लाइकान वाले चले गए सब मोनेरा में, सेलुलोज वाले सब आ गए किसमें? ग्रीन प्लांट्स में आ गए। फंजाई में रख दिया जिनमें काइटिन पाया जाता है सेल वॉल में, तो इस आधार पर सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन था उसको भी हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। फिर आ गया सभी ग्रीन प्लांट्स जो थे उनको एक ग्रुप में रख दिया, नाम पड़ा प्लांटी, और जो बाकी थे उनको हमने किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया कि जिनमें कोशिकाओं में सेल वॉल है ही नहीं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल इन सभी को एनिमल में डाल दिया, क्योंकि किसी भी एनिमल की सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इस आधार पर सेल वॉल की बनावट में भी जो शिकायत हमको थी, मतलब कि कुल मिलाकर के टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जो भी शिकायत थी हमने सारा दूर करने का प्रयास किया। हमने का मतलब कौन? आरएच विटेकर ने दूर करने का प्रयास किया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि साहब फिर इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का ध्यान रखा कि नहीं? बिल्कुल ध्यान रखा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी ध्यान रखा। इस काम के लिए आपको यहां पर एक टेबल पर ध्यान देना है, और टेबल पे अब आप इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें आरएच विटेकर ने किन करेक्टर्स को ध्यान में रखा, तो इसके लिए आपको एक टेबल बना के दी गई है और यहां पर स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। ये क्या है? द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग यूज्ड बाय हिम इंक्लूड्स। अब कह रहे हैं कि देखो फाइव किंगडम सिस्टम में सेल वॉल को ध्यान में रखा, सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार इसका ध्यान रखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ध्यान रखा, रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है इसका ध्यान रखा, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या है इसका ध्यान रखा, और इन सारी बातों को टेबल में मेंशन किया गया है। अब अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने चीजों को ध्यान में रखा, इनमें से किन चीजों को ध्यान में नहीं रखा, ऐसे सवाल बन सकते हैं, तो ये पांच करेक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखा गया।
कौन कौन सा, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, फाइलस का ऑर्गेनाइजेशन यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तीसरा इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान रखा, चौथा इन्होंने रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है इसका ध्यान रखा, और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर था वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ध्यान में रखा, जिसको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। दोनों, व्हाट इज द फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या चीज होता है अब देखेंगे इसको, व्हाट इज फाइलोजेनी, यहां पे टर्म यूज किया है इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जरा ध्यान दीजिए इसको, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो फाइलोजेनी जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को व्यक्त करता है, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को व्यक्त करता है। जैसे आज के दौर में मनुष्य हम लोगों जैसे दिखाई देता है, लेकिन क्या मनुष्य ऐसे ही था या किसी दूसरे प्रकार के जीव से मॉडिफाई हुआ? तो जब किसी इंडिविजुअल का हम लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी। मतलब कि सपोज दैट यू आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, अगर इसका अध्ययन कर रहे हैं आप, तो इसमें क्या होता है, एग होता है, इससे जायगोट होता है, जायगोट से आगे चलकर लार्वा बहुत होगा तो होगा, और लार्वा से क्या होता है, एडल्ट होता है। ये किसी एक जीव का उसकी लाइफ साइकिल का अध्ययन कर रहे हैं, इसे नाम दिया जाता है ऑन्टोजेनी। ये क्या चीज है, इट इज कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी। राइट डाउन, व्हेन द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल इज कंसर्न, इट इज कॉल्ड एज ऑन्टोजेनी। जैसे कि मनुष्य का अंडे से विकास कैसे हुआ, यानी कि एक बच्चे का वो कंसीव कैसे हुआ, प्रेगनेंसी से लेकर और उसके डेवलपमेंट यानी पैदा होने तक की जो कहानी है वो उसकी लाइफ साइकिल है, उसको ऑन्टोजेनी कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्क्यूटो, ये सारी चीजें क्या है, ये सब उस कंसर्न्ड एक ऑर्गेनिज्म से संबंधित है जिसको हम ऑन्टोजेनी कहते हैं। लेकिन अगर हम ये पता करना चाहें कि जो मनुष्य के पहले वो चिंपैंजी कौन था, हमारा और चिंपैंजी का रिलेशनशिप क्या है, चिंपैंजी के पहले ओरंग उटान और लीमर और टार्सियस थे, इसके पहले सुरूज थे, सुरूज के पहले क्या रहे होंगे, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे इवॉल्व हुआ, तो ये कई हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का इतिहास होता है, और इस इतिहास का अध्ययन करना फाइलोजेनी कहलाता है। तो फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने लिया है लाइफ साइकिल, और यहां क्या लेंगे, लाइफ हिस्ट्री लेंगे, नॉट लाइफ साइकिल। अगर हम किसी की लाइफ हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, जैसे मैंने कहा कि एल्गी एक ग्रुप है, एल्गी से ब्रायोफाइटा की ओरिजिन हुई होगी, अब अगर इस रिलेशनशिप को हम स्थापित करना चाहें तो ये क्या कहलाएगा, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है कि एल्गी से ब्रायोफाइटा की ओरिजिन हुई होगी, तो अगर हम इसे अध्ययन करेंगे इट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। क्या नाम देते हैं इसको, देखो लिखा है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी जो होता है दैट इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, उसका इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये फाइलोजेनी है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, घोड़े के पहले वो किस रूप में रहा होगा। इवोल्यूशन ऑफ बर्ड, जब चिड़िया का विकास हुआ उसके पहले कौन थे, रेप्टाइल थे, और रेप्टाइल में भी कुछ खास प्रकार के डायनासोर थे जिनसे बर्ड का डेवलपमेंट हुआ। तो आप देखेंगे कि आर्कियोटेरिक्स के साथ बर्ड का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, तो ये कहलाता है फाइलोजेनी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का जब हम अध्ययन करते हैं इट इज कॉल्ड एज फाइलोजेनी। तो यही बात यहां पर कही गई। इतने सारे करेक्टर्स तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि आर एच विटेकर ने 5 करेक्टर पर फोकस किया। पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आप जरा टेबल को अध्ययन कर लीजिए, आप देखेंगे टेबल यहां पर, जस्ट ए मिनट, यस आ जाइए इस पर। अब टेबल देखिए आप अपनी, टेबल नंबर 2.1, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन।
पांचों किंगडम्स दिए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। देखिए करेक्टर नंबर वन, ये पहला करेक्टर है, सेल टाइप। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक है, फंजाई में भी, बाकी सब में यूकैरियोटिक है, केवल एक ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक है, उसको रेस्ट अदर किंगडम से अलग कर दिया गया। चलिए नंबर दो पर सेल वॉल। अब सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन पूछा जाएगा, ये नॉन सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है तो ये पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। सेल वॉल के इस मेटीरियल को पेप्टाइडोग्लाइकान कहा जाता है। क्या नाम देंगे? पेप्टाइडोग्लाइकान कहा जाता है। यानी कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई है? बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में किसकी बनी है? तो कह रहे हैं ये नॉन सेलुलोजिक है। ठीक है भैया, सेलुलोज से नहीं बनी है तो फिर किससे बनी है? ये है पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडो क्यों कहा? एमिनो एसिड्स के जुड़ने से पेप्टाइड लिंकेज बनता है और ग्लाइकान जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो पेप्टाइडोग्लाइकान कहा गया। मतलब दो कंपाउंड से मिलकर, कार्बोहाइड्रेट और पेप्टाइड से मिलकर पेप्टाइडोग्लाइकान का निर्माण हुआ। तो यह बात यहां पर ध्यान रखना है कि बैक्टीरियल सेल वॉल ये क्या है, ये पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है जो कि नॉन सेलुलोजिक है, यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अब कह रहे हैं कि प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, कुछ में सेल वॉल है कुछ में नहीं है। फिर करेंगे फंजाई में सेल यूकैरियोटिक है और प्रेजेंट विद काइटिन। देखो मैंने आपको बताया था कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो बाकी ग्रीन प्लांट के सेल वॉल से डिफर कर रही है, तो यहां पर काइटिन और पेक्टोज पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्लांटी, प्लांटी का मतलब कि ग्रीन प्लांट्स में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई गई और जितने भी एनिमल्स हैं उनके किसी भी सेल में सेल वॉल नहीं पाई गई। तो ये दूसरा करेक्टर स्टडी किया, पहला था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था सेल वॉल, तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सभी में प्रेजेंट है लेकिन अब्सेंट किसमें है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। फिर बात करेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर है, प्रोटिस्टा में भी एक ही सेल है, इसमें भी एक ही सेल है लेकिन यहां से मल्टी सेलुलर हो गया, या फिर लूज टिश्यू पाए गए फंजाई में और बाकी सब में वेल डेवलप्ड टिश्यू और ऑर्गेन्स पाए गए। तो टिश्यू पाया गया ऑर्गेन प्लांट में लेकिन एनिमल केवल एक ऐसा है कि जहां पर टिश्यू है ऑर्गेन है और ऑर्गेन सिस्टम भी है। ठीक, तो किसी भी प्लांट में ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता, टिश्यू होता है और ऑर्गेन होता है लेकिन एनिमल में तीन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहां पर फोकस करिए इस पर और यहां हाईलाइट करिए, एनिमल्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तीन लेवल का होता है, टिश्यू का भी होता है, ऑर्गेन का भी होता है, ऑर्गेन सिस्टम का भी होता है, जबकि प्लांट्स में केवल दो ही लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टिश्यू होता है और दूसरा ऑर्गेन। दिस पॉइंट मस्ट बी हाईलाइटेड, सवाल बनेगा। चलिए अब लास्ट करेक्टर देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको मालूम है कि बैक्टीरिया जो है ये सबसे ज्यादा डाइवर्स ग्रुप होता है न्यूट्रिशन के मामले में, ये हेटरोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी है। अगर ये हेटरोट्रॉफिक है तो सड़े गले मटेरियल से, डेड और डिकेइंग कंपोनेंट से भोजन ले रहा है तो सैप्रोट्रॉफ हो गया, अदरवाइज पैरासाइट है, अदरवाइज सिम्बायोंट है। मतलब कि न्यूट्रिशन के जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सारी कला दिखाता हुआ दिख रहा है आपका, ये कौन? प्रोकैरियोट, यानी कि बैक्टीरिया। यहां पर देखेंगे प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉप्स हैं, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक भी हैं। यहां पर हेटरोट्रॉफिक केवल है, फंजाई में कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होता, तो सारे फंजाई हेटरोट्रॉप्स होते हैं और ज्यादातर फंजाई सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। सैप्रो किसके लिए यूज होता है? जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन लेते हैं उनको सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है। सैप्रोट्रॉप्स स्टैंड्स फॉर सैप्रोट्रॉफ, किसके लिए यूज हुआ है? ऑर्गेनिजम्स टेक न्यूट्रिशन, किससे ले रहे हैं? टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म से भोजन ले रहे हैं जो मर चुके हैं और सड़ रहे हैं, उनसे भोजन लेने वाले ऑर्गेनिज्म को सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है। तो इस टेबल के बारे में आप सभी लोग समझ गए, इसके साथ जोड़ देना कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को आरएच विटेकर महोदय ने कंसीडर किया था। तो टेबल की एक एक बात, सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियस है कि नहीं, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है,
रिप्रोडक्शन कैसा, ये सारी बातें। उम्मीद है कि आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब हम चल रहे हैं आगे की बात कर रहे हैं। फिर नंबर आता है कि थ्री डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू टू डोमेन्स लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द थर्ड डोमेन एंड देयर बाय ए सिक्स किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लास। कि थ्री डोमेन सिस्टम भी था। इन्होंने क्या किया था कि मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये जो मोनेरा था इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मोनेरा को दो भाग में डिवाइड कर दिया तो दो किंगडम तो इसी में बन गए, रेस्ट चार किंगडम और थे, फोर किंगडम बाकी थे, तो ये सब मिलकर के कितने किंगडम का बन गया, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। हायर क्लास में आप पढ़ेंगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, राइट। तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेडिकल में सिलेक्ट हो गए तो पेड़ पौधों से कोई मतलब ही नहीं है साहब, ना फिजिक्स से मतलब है ना केमिस्ट्री से मतलब है, हमको तो केवल मनुष्य के शरीर से मतलब है। जब आप एमबीबीएस करने जाएंगे, भला हो आपका, आप एमबीबीएस करने ही जाएं और ये कूड़ा कबाड़ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यद्यपि माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बीमारियों का संबंध माइक्रोब से होता है, तो आपका ये साथ नहीं छोड़ेंगे। बैक्टीरिया वायरस इनको तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पैथोलॉजी में है ये सब। यस, तो अब यहां पर जरा अब ये लाइन हमने आपको क्लियर कर दिया है यहां पर कि थ्री डोमेन सिस्टम आपके कोर्स में नहीं है इसलिए हटा देंगे इसको। आगे करें कि लेट अस लुक एट दिस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंड दिस इश्यूज एंड कंसीडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस्ड द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि साहब टू किंगडम सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी हमने इन सबको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, इसलिए इस पैराग्राफ पर हम अलग से और फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टू किंगडम सिस्टम के सारे ड्रॉबैक्स रिमूव करने का प्रयास किसने किया है, फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने किया है, इसलिए हम इस पर और चर्चा ना कर आगे बढ़ेंगे। यहां से कोई और सवाल नहीं आएगा, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वी आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वी आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ये सब बता चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा है ब्रॉट टुगेदर। यस, यहां पर आपको देखना है सवाल, यहां से इस लाइन से बनेगा, इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा बेटा, इसको ध्यान रखो। इस वाली लाइन को जहां हम हाईलाइट कर रहे हैं कहां पर, ये है, यहां से देखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा एंड हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। अब आपको मालूम है कि क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेल्यूलर एल्गा है, ग्रीन एल्गा है। चूंकि ये सेल यूकैरियोटिक है, एक ही सेल का बना है और यूकैरियोट है तो रहना तो चाहिए प्रोटिस्टा में। लेकिन इनके साथ जो दूसरा ग्रुप रखा गया है वो कौन है, क्लोरेला। इसको पहले एल्गी में रखा गया था, किसमें रखा गया था, एल्गी में। और आपको मालूम है कि एल्गी जो होता है इट इज द मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी। एल्गी को किसमें रखा गया, प्लांटी में रखा गया। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में एल्गी को प्लांटी के साथ रखा गया है, तो क्लोरेला को साथ में ले आए। क्यों ले आए, क्योंकि यूनिसेलुलर थे, विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल था। इनके साथ किसको रख दिया, पैरामीसियम और अमीबा को रख दिया, जबकि ये सभी ये जो है एनिमल किंगडम में रखे गए थे क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं है, तो ये यहां पर एक ड्रॉबैक था। लेकिन फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने इन सबको एक साथ रख लिया लाकर, इसलिए फाइलम प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा है, पैरामीसियम है, यूग्लिना है, इन सबको हम यहां पर रख रहे हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। यह ड्रॉबैक ऑलरेडी बना रह गया, क्यों, क्योंकि पैरामीसियम है, अब यह हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और इसको उठाकर क्लेमाइडोमोनास के साथ रख दिया। अब अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पैरामीसियम और क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखकर कौन से विवाद को जन्म दिया था आरएच व्हिटेकर ने, तो आपको बताना है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सॉल्व नहीं हो पाया क्योंकि पैरामीसियम हेटरोट्रॉफिक है और क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गा है तो वो ऑटोट्रॉफिक है। अब मात्र इस आधार पर कि ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है, इनको उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया। अब दो यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि आपका अमीबा और पैरामीसियम एक ही सेल का बना है और यूकैरियोट है, और सेम यहां पर सही बात है किसके लिए, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास के लिए, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकैरियोट है। लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर यह है
कि क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास दोनों ऑटोट्रॉप्स हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, जबकि अमीबा में और पैरामीशियम में क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये कौन है? हेटरोट्रॉप्स हैं। लेकिन इनको उठा के दोनों को एक साथ रख दिया आर एच विटेकर महोदय ने, यहां गलती कर गए, तो ये एक ड्रॉबैक बना रह गया। ठीक है, तो इस पर फोकस करेंगे टीचर्स क्लास में, इस पर परीक्षा में सवाल पूछते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या ध्यान रखने की बात है कि ये स्टेटमेंट सही है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन सबको उठाकर एक साथ रख दिया। ठीक, आगे तो ये इसका एक ड्रॉबैक बना रह गया। दिस काइंड ऑफ चेंजेज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंपॉर्टेंस इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहे हैं कि इसीलिए क्योंकि कुछ ड्रॉबैक फाइव किंगडम में रह गए थे, ये भविष्य में आगे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा तो हम इनको चेंज कर रहे होंगे, तो इसलिए भविष्य में परिवर्तन की गुंजाइश तो बनी हुई है। इवोल्यूशन लगातार हो रहा है और लगातार इवोल्यूशन से तमाम ऐसी नई स्पीसीज का उदय हो रहा है। अभी आपने देखा था वायरस में एक नया ग्रुप आ गया कोविड, और कोविड में भी उसकी तमाम रेसेज डेवलप होने लगी, स्ट्रेन डेवलप हुए उसके अलग अलग। तो आप देख रहे हैं कि कुछ सप्ताह में, कुछ महीने के अंदर नए नए वेरियंट्स आ रहे हैं कोरोना के। तो इस तरीके से इतना हाई लेवल का म्यूटेशन होकर के नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन की जरूरत तो हमको पड़ेगी, इनको क्लासिफाई करना पड़ेगा आगे, और अपने हमारे लेवल में, नॉलेज में भी तमाम तरीके के परिवर्तन भविष्य में आएंगे। तो ये पैराग्राफ आपका क्लियर हो गया है। अब हम एक एक करके यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और सबसे पहला ग्रुप है किंगडम मोनेरा। बिना देर किए हुए तुरंत आ जाओ इस पॉइंट पर, किंगडम मोनेरा, पांचों किंगडम पर एक एक करके इनके करेक्टरिस्टिक फीचर पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की बात करने चल रहे हैं। Yes, लग जाइए अभी एक घंटे का समय बीता नहीं है, चैप्टर टारगेट पर है कि इसको आज पूरी तरीके से समझना है। बात करते हैं किंगडम मोनेरा। अच्छी तरह जानते हैं कि सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को यहां पर रखा गया है। ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, कौन से ग्रुप हैं? तीन मुख्य ग्रुप हैं। कौन कौन से? पहला ग्रुप है, इनको बोलेंगे आर्किबैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया, और तीसरा ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। यही तीन ऐसे ग्रुप हैं जिनको कि मोनेरा में रखा गया है। आर्कियोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ट्रू बैक्टीरिया, इनके बारे में अभी आगे डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल हम पेज वाइज चलेंगे। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा, दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले। देखो अब सवाल यहां पूछेंगे कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है? ये बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह पाए जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल सॉयल, हंड्रेड क्या, करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया एक मुट्ठी सॉयल में हो सकते हैं। फिर बात कर रहे हैं कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सटर्नल हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी की जलधारा में हो सकते हैं, डेजर्ट्स में हो सकते हैं, स्नो पे हो सकते हैं, डीप ओशियन में हो सकते हैं, where very few other life forms can survive। जी हाँ, समुद्र की तलहटी में सामान्य जनजीव नहीं पाए जाते हैं, वहां पर विशेष प्रकार के एडाप्टेशन वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं। समुद्र की गहराई में जहां पर सूरज की रोशनी है ही नहीं, वहां पर केमो सिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। केमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दो प्रकार के ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो सूरज की रोशनी का उपयोग करते हैं वह फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। लेकिन समुद्र की गहराई में आपको मालूम है कि समुद्र में 500 मीटर तक ही सूरज की रोशनी जाती है। कितने है? कितनी डेप्थ तक? 500 मीटर तक, 500 मीटर डेप्थ तक ही समुद्र में सूरज की रोशनी पेनिट्रेट करती है। और 500 मीटर की गहराई में अगर आप जाएंगे तो वहां पर बहुत ही घोर अंधकार मिलेगा, और इतनी अंधेरे में कौन पाया जाएगा? वहां पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फोटो माने लाइट तो वहां है ही नहीं, तो वहां पर केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया पाए जाएंगे। इसलिए इन्होंने लिखा है कि बैक्टीरिया तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां सामान्य जनजीवन हो ही नहीं सकता, तो समुद्र की एकदम गहराई में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहां पर सामान्य जनजीवन नहीं पाए जा सकते, राइट। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द शेप, अब इनके आकार के आधार पर। जी हाँ, आकार के आधार पर पहला ग्रुप है, इनको कोकाई कहते हैं, कॉकस से बना हुआ। कॉकस का मतलब क्या होता है? गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया? कोकाई कहा गया। बैसिलाई कौन होते हैं? ये रॉड शेप होते हैं,
रॉड शेप्ड या इनको कैप्सूल शेप कह सकते हैं। दवा होती है ना कैप्सूल, और ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, आकार में गोल है, और रॉड नुमा या कैप्सूल के आकार के, दवा कैप्सूल का आकार कैसा होता है देखा होगा आपने, कैप्सूल कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इस तरीके से रॉड शेप या कैप्सूल शेप बैक्टीरिया, इनको बैसिलाई कहते हैं। स्पाइरल जिग जैग अरेंजमेंट होता है ऐसा, देखिए ये है, ऐसे जिग जैग अरेंजमेंट है, और फ्लैजिला पाए जा रहे हैं लोकोमोशन के लिए, ये है, इनको स्पाइरल, स्पाइरलाई का मतलब जिग जैग, ऐसे जैसे आपकी छत पर चढ़ने के लिए जीना होता है, स्टेप होता है चढ़ने के लिए, देखिए ऐसे, तो ये स्पाइरल फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये कैसे है, कॉमा से बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा इनको वाइब्रियो कहते हैं, कॉलेरा का बैक्टीरिया इसका प्रमुख एग्जाम्पल है, सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है, राइट डाउन, कॉलेरा का जो बैक्टीरिया है इट इज वाइब्रियो, वाइब्रियो का उदाहरण कौन है, कॉलेरा, कॉलेरा का बैक्टीरिया वाइब्रियो होता है, कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है, कॉमा जानते हैं ना, है कॉमा, ऐसे आप राइटिंग में लिखते हैं थोड़ी देर कर रुकने के लिए, कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो कॉमा के आकार का बैक्टीरिया देखो ये, और इस बैक्टीरिया को अगर हम एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आपको लिखना है कि कॉलेरा का बैक्टीरिया इसी टाइप का होता है, वाइब्रियो। समझ में आ गया होगा, यहां तक की बात क्लियर है तो हम आगे चलें, बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट, आगे बढ़ेंगे। अब सवाल किस पर बनेगा, आप कह रहे हैं कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, जी हाँ, ये मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी लाइफ स्टाइल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस पॉइंट को हाईलाइट करने की जरूरत है, हमारे साथ इसे हाईलाइट कर लीजिए, जल्दी से हाईलाइट कर लीजिए ये पॉइंट। दो, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, किस मामले में, इन देयर बिहेवियर, उनकी फिजियोलॉजी में बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जरा इस स्टेटमेंट को समझिए, एक टाइनी साइज का बैक्टीरिया जो आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देता, इतना छोटा है कि आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो इतना कॉम्प्लेक्स है अपने लिविंग स्टाइल को लेकर के। जैसे उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख लीजिए, कितना नोटोरियस है, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, अब कह रहा है कि बिना हम सनलाइट के भी फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, हमें समुद्र में नीचे जाने दो, वहां पर भी अपना काम चला लेंगे, हम तो किसी के साथ सिम्बायोसिस कर लेंगे, साथ साथ लाभकारी जीवन बना लेंगे, म्यूचुअलिज्म में भी रह लेंगे, हम पैरासाइट हो जाएंगे, हर प्रकार का जीवन जीने की हमारी आदत है, कितना कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके मेटाबॉलिज्म में भी कॉम्प्लेक्सिटी है, तमाम मेटाबॉलिक जो पाथवेज होते हैं, जैसे मोनोफॉस्फेट पाथवे होता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये क्या है, इसकी जो लाइफ स्टाइल है, मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसका, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, देखो ये लिखा है, अभी हम जो बता रहे थे कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी यहां पर ज्यादा है, कुछ ऐसे पाथवे है जो आपके शरीर में नहीं होते, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, यानी कि इनके मेटाबॉलिज्म में तमाम प्रकार के वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, जबकि कि आपको मालूम है कि इसका सेल बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर वाला है, सेल का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनता है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, परंतु मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये कहानी है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, देखो वही बात जो हम आपको बता दिए उस पर ये चर्चा कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ है, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन बनाते हैं, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या केमोसिंथेटिक हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ, सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, सवाल आता है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को किसमें मिलेगी, मेटाबॉलिज्म में, तो वो बैक्टीरिया है, सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते, ये कहानी है। फिर इसके बाद नंबर आता है आर्की बैक्टीरिया का, हमने आपको बताया था कि मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया रखे गए हैं, और क्या रखे गए, यहां पर आर्की बैक्टीरिया रखे गए हैं,
आर्की बैक्टीरिया, दूसरा ग्रुप है यू बैक्टीरिया, तीसरा ग्रुप है माइकोप्लाज्मा। यही तीन है जिनको मोनेरा में रखा गया है, तो इन पर हमें फोकस भी करना है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया पर बात करें अगर, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, जहां पर नमक ज्यादा है, हैलोफिलिक है। ये जो आर्की बैक्टीरिया है, ये आर्की बैक्टीरिया हैलोफिलिक हो सकते हैं। हैलोफिलिक माने होता है लविंग, और हैलो माने होता है साल्ट। ये साल्ट लविंग होते हैं, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं, नमक ज्यादा है, तो स्वैम्पी एरिया में पाए जाते हैं, डेल्टा, जहां समुद्र का डेल्टा बनता है, जहां पर नमक का परसेंटेज ज्यादा होता है, उस जगह पर ये पाए जाते हैं और सर्वाइव करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी इनकी है, देखो इनको थर्मो एसिडोफिल कहा गया है, टेम्परेचर लविंग होते हैं, हाई टेम्परेचर पर, 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर पर सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक माने, थर्मो माने ही टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लविंग होते हैं, तो हाई टेम्परेचर पर भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है। और तीसरी कैटेगरी मेथेनोजेन की होती है, ये मेथेनोजेंस मार्स लैंड में पाए जाते हैं, जहां पर मेथेन गैस पैदा होती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट आप समझते हैं, ये ऐसे जानवर जिनके स्टमच में एक चैम्बर होता है जिसका नाम रूमेन होता है, चार चैम्बर होता है, जैसे गाय भैंस है, तो गाय भैंस के स्टमच में चार चैम्बर होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम, ये चार चैम्बर होते हैं। तो रूमेन एक चैम्बर होता है, मतलब कि गाय का जो स्टमच है उसमें ऐसे चार चैम्बर, ऐसे स्टमच में चार चैम्बर है, एक हो गया रूमेन, ओमैसम, एबोमैसम, रेटिकुलम, ऐसे मान लो ये चार चैम्बर हैं। तो रूमेन में रहने वाले बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जो गाय के स्टमच के एक चैम्बर में रहते हैं, उस चैम्बर का नाम रूमेन है, और रूमेन में पाए जाने की वजह से ऐसे बैक्टीरिया को रूमिनेंट बैक्टीरिया कहा जाता है। यहां पर मेथेन गैस का उत्पादन होता है, इसलिए ऐसे बैक्टीरिया को मेथेनोजेन कहा जाता है। ये यहां पर पाए जाते हैं, क्लियर है ना? जिनको नहीं पता जान लीजिए, ये स्टमच है, स्टमच में चार चैम्बर है गाय भैंस में, चारों चैम्बर के नाम है रूमेन, ओमैसम, एबोमैसम, रेटिकुलम। रूमेन पार्ट में मेथेन गैस का उत्पादन होता है, मेथेन लविंग बैक्टीरिया यहां पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम मेथेनोजेन पड़ा। ये बैक्टीरिया मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं यहां पर स्टमच में। आर्की बैक्टीरिया के बारे में इतनी सारी बात जब हो गई और कहा, देखिए बायोगैस प्रोडक्शन में भी इनका यूज होता है, देखो लिखा है बायोगैस प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया यूज होते हैं, गोबर में, गोबर को सड़ाकर उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जहां से मेथेन गैस पैदा होती है और उसको जलाने का काम किया जाता है। समझ गए होंगे, बायोगैस उत्पादन में ये बैक्टीरिया मदद करते हैं। अब जितने भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इतने अनफेवरेबल क्लाइमेट में कैसे रह लेते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल काफी स्पेसिफिक होती है। अब यहां पर सवाल बनेगा कि आर्की बैक्टीरिया इतने तनावपूर्ण वातावरण में जीवन को कैसे गुजार लेते हैं, इसलिए क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज हाईली स्पेसिफिक, इसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं होता। अब चूंकि किताब में म्यूरेमिक एसिड के बारे में लिखा नहीं है, केवल ये लिखा गया है कि दे हैव स्पेशल सेल वॉल बिकॉज ऑफ विच दे कैन सर्वाइव इन सच ए हार्श हैबिटेट, इसलिए ऐसा है, ये बहुत ही एडवर्स क्लाइमेट में रह लेते हैं, ये कहानी है। यहां पर सवाल बनेगा आर्की बैक्टीरिया इतने खतरनाक कंडीशन में कैसे जी लेते हैं, उसका यह कारण है कि इनकी सेल वॉल विशेष प्रकार की होती है। नेक्स्ट, आगे चलेंगे आर्की बैक्टीरिया के बाद अगले ग्रुप की बात करेंगे। देखो आर्की बैक्टीरिया में यह पॉइंट लिखा गया है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। तो यहां सवाल पूछेंगे,
आर्किबैक्टीरिया बहुत ही अनफेवरेबल क्लाइमेट में भी कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल सेल वॉल। अब अगर कोई आगे बढ़कर एग्जामिनर पूछ ही लेता है कि वो स्पेशलिटी इनके सेल वॉल की क्या है, तो नोट कर लीजिए, म्यूरेमिक एसिड नहीं होता सेल वॉल में, इनकी जो सेल वॉल है उसमें म्यूरेमिक एसिड नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं दूसरा ग्रुप जो बैक्टीरिया का है, उसका नाम क्या है, उसका नाम यू बैक्टीरिया है। कौन सा नाम है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए रिजिड सेल वॉल। जी हां, इनमें एक रिजिड सेल वॉल होती है और मोशन के लिए फ्लैजिलम पाया जाता है, फ्लैजिला। अब फ्लैजिला क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल, सपोज करिए जैसे ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, आप समझ लीजिए इसको, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में ये फ्लैजिला ढेर सारे पाए जाते हैं मूवमेंट के लिए, एक हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, अगर एक है तो मोनोट्राइकस है, इससे ज्यादा है तो फिर कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ये बैक्टीरिया है, इनका ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ेंगे इसको, जब आपको प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल पर सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरियल सेल पर यहां सेल वॉल है, दिस वन इज द सेल वॉल, अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, सी एम स्टैंड फॉर सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद नंबर है सेल वॉल का, ये ग्रीन कलर से हम जो दिखा रहे हैं ये सेल वॉल है। कभी कभी बैक्टीरिया का वो बाहर से घेरने के लिए म्यूसलेज की बनी हुई कवर होती है, और अगर म्यूसलेजनस कवर है बाहर से, ऐसे एक म्यूसलेजनस कवर है बाहर से इस तरह, देखते जाइए ये म्यूसलेज सीथ है, म्यूसलेजनस कवरिंग है यहां पर, ठीक है। ये देखो इसमें दिखाया गया है म्यूसलेज कवर, यहां पर लिखा गया है। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी एक यहां पर अगर हम देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई, ये इसका डीएनए हो गया, ये इसका पॉलीराइबोसोम है। आगे पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत डिटेल तो नहीं बता सकते इसमें क्योंकि इस चैप्टर में उतना है नहीं, जब सेल पढ़ेंगे तो वहां पर आप जानेंगे। बैक्टीरियल एक ट्रू बैक्टीरिया ऐसा होता है। अब ये ट्रू बैक्टीरिया अकेला भी हो सकता है और कॉलोनी भी बना सकता है। अब बेटा अगर कॉलोनी बनाएगा तो ऐसा दिखेगा, ये देखिए, अब इसमें एक से अधिक सेल है, देखो ये कॉलोनी बना रही है, और म्यूसलेज इतना ज्यादा होता है कि म्यूसलेज पूरी कॉलोनी को, एक सेल को नहीं, ये पूरी कॉलोनी को ढक लेता है, तो म्यूसलेज इसको पूरी कॉलोनी को कवर कर रहा है। जरा आप ध्यान दीजिए यहां पर, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम देंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको नॉस्टॉक कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या नॉस्टॉक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है? क्या नॉस्टॉक मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर नहीं है, इट इज द कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल कॉलोनी। माइक्रोब्स जो होते हैं वो एग्रीगेट, इनका जो होता है वो कॉलोनी कहलाता है। तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने यहां दिख रहा है ये क्या है? ये एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, जिसमें कि ये कई सेल्स हैं, इसमें ये सेल्स हैं ये सब, और इन सेल को एक सूत्र में बांधे रखने का काम किसने किया है? म्यूसलेज ने किया है। म्यूसलेज, जैसे आपने स्लाइम देखा होगा, स्लाइम खिलौना में, खिलौने में यूज किया होगा स्लाइम, तो उसी स्लाइम के टेक्सचर जैसा मेटेरियल यहां पर होता है जो म्यूसलेज होता है, जो पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी को ढक लेता है, म्यूसलेज ने सीथ। इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हेट्रोसिस्ट होती हैं। जी हाँ, यहां पर हम हेट्रोसिस्ट की बात कर रहे हैं। हेट्रोसिस्ट एक विशेष प्रकार की सेल है जिसके अंदर एनएरोबिक एटमॉस्फेयर होता है। हेट्रोसिस्ट पर कुछ पॉइंट मेंशन करिए, क्या मेंशन करना है? ये जो हेट्रोसिस्ट है, दिस वन, इट इज स्पेशल सेल। ये क्या है? ये एक स्पेशल सेल है, इट इज ए स्पेशल सेल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए
यह विशेष प्रकार की सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक विशेष प्रकार की कॉलोनी की कोशिका मॉडिफाई हो जाती है और उसके अंदर एनएरोबिक एटमॉस्फेयर बनता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का रिडक्शन करके अमोनिया बना लिया जाता है, नाइट्रोजन चेंजेस टू अमोनिया। आपको मालूम है नाइट्रोजन में एक भी हाइड्रोजन नहीं है और अमोनिया में एक नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, जब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़े तो यह घटना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन, रिडक्शन। नाइट्रोजन फिक्सेशन चूंकि हेटरोसिस्ट के अंदर हो रहा है, अगर यहां पर एरोबिक एटमॉस्फेयर रहेगा तो नाइट्रोजन का रिडक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए हेटरोसिस्ट में एनएरोबिक एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है। एनएरोबिक एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड कहां पर, इन हेटरोसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, हेटरोसिस्ट के अंदर एनएरोबिक एटमॉस्फेयर मेंटेन किया जाता है, क्योंकि यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, इनके स्पान आपके धान के खेतों में छिड़के जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो आप मंगाते हैं अपने गमले में क्यारी में डालने के लिए जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करें, ये इन्हीं बैक्टीरिया का सस्पेंशन होता है, माइक्रोब्स का, जो बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का स्पान धान के खेत में छिड़का जाता है, लंबे समय तक बारिश अगर हो तो आपके घर की क्यारी में जहां पर मिट्टी का जमावड़ा है वहां की मिट्टी अलग अलग कलर की, ग्रीन कलर की, नीले कलर की हो जाती है। ब्लू ग्रीन, ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा, तो आपकी मिट्टी नीले और हरे रंग की हो जाती है। दरअसल में उस मिट्टी का जो कलर लंबे समय तक बारिश होने से, जिसको आप कहते हैं काई जमी हुई है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और अगर हल्का सा लापरवाही कर दिए ना तो फिसल कर धड़ाम से गिरोगे वहां पर, कैसे, पैरवा फिसल जाएगा। वो काहे, क्योंकि कॉलोनी के चारों तरफ म्यूसिलेज होता है और चिकनाई युक्त होता है, इसीलिए आपका पैर पड़ते ही आप वहां फिसल जाते हैं। बारिश लंबे समय तक हो रही हो, आंगन में मिट्टी जमा हो, तो वहां पर ये एल्गी उग जाते हैं, मिट्टी नीले हरे रंग की हो जाती है, जैसे आप पैर रखेंगे वहां पर फिसल जाएंगे, क्योंकि म्यूसिलेज चिकनाई वाला मटेरियल इनकी कॉलोनी को ढके रहता है। और ये रिच क्यों होते हैं, इनको बायो फर्टिलाइजर क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इनकी कॉलोनी में कुछ खास प्रकार की सेल जिनको हेटरोसिस्ट कहते हैं, इनके अंदर एनएरोबिक एटमॉस्फेयर होता है और ये काम हो रहा होता है। कौन सा काम, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल रहे होते हैं, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन काम है हेटरोसिस्ट का। ये फंक्शन आप समझ गए होंगे, जरा ध्यान दीजिए इस पर। साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए। क्या पाया जाता है इनमें, क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। याद रहे कि धरती पर सबसे पहले इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन इवॉल्व किया और हमारा एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, एरोबिक। तो फर्स्ट ये फोटोसिंथेसाइजर है, साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी आर फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजर। नहीं लिखा एनसीईआरटी में, फिर भी लिखिए आप, ये फर्स्ट फोटोसिंथेसाइजर थे और इनके फोटोसिंथेसिस करने से वातावरण में फ्री ऑक्सीजन निकल कर आई, इसलिए हमारा और आपका जीना संभव हो पाया है। थैंक्स बोलिए किसको, बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। क्यों, तुम ही हो जिसने ऑक्सीजन को रिलीज किया वातावरण में और आज एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको थैंक्स, इसके लिए धन्यवाद। इन्हीं में से कुछ ग्रुप केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के हैं, हेटरोसिस्ट हमने आपको बता दिया, नास्टाक में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में आपको बता दिया है कि ढेर सारे ऐसे होते हैं जो मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में है या फिर वो पैरासाइट की तरह पाए जाते हैं। इस प्रकार से मोनेरा का ये सिस्टम समाप्त हुआ। एक इसमें ग्रुप और रह गया है, जरा देखेंगे, माइकोप्लाज्मा को ढूंढ लेते हैं। कहां हो भैया माइकोप्लाज्मा, आ जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, आपके सामने है माइकोप्लाज्मा। कह रहे हैं कि इनमें डिवीजन बैक्टीरिया में होता है। ये कैसा डिवीजन होता है, इस प्रकार के डिवीजन को ए माइटोसिस कहा जाता है। बैक्टीरिया में मोस्ट पॉपुलर मेथड है रिप्रोडक्शन की और वो है बाइनरी फिजन। ये है डिवाइडिंग बैक्टीरियल सेल, इनका डीएनए डिवाइड हो जाता है और दो सेल एक दूसरे से अलग हो जाती है, बाद में यहां से कट कर अलग हो जाती है, इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। ठीक,
बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, इनसे होने वाली बीमारियां होती हैं, इनके नाम लिखे गए हैं, सब देखेंगे। सम पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, जैसे कॉलेरा है, टाइफाइड है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर नींबू में है, ये सभी बीमारियां बैक्टीरिया से पाई जाती हैं, बनी होती हैं। बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज एनिमल में कौन कौन से होते हैं, मनुष्य में होने वाली बीमारियां कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, और प्लांट में नींबू में सिट्रस कैंकर है। नींबू कुछ ऐसा देखा होगा कि सामान्य तौर पर तो नींबू की स्किन काफी साफ सुथरी होती है, ग्रीन कलर की या येलोइश होती है, लेकिन कभी कभी नींबू पर उसकी जो दीवार है काफी रफ हो जाती है, खुरदरा। इस बीमारी का नाम कैंकर है और यह बैक्टीरिया से होता है, सिट्रस कैंकर से, ठीक है। और बैक्टीरिया का नाम है जैंथोमोनास सिट्री। सिट्रस कैंकर कराने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास, जैंथोमोनास सिट्री, जैंथोमोनास सिट्री, इससे नींबू में होता है। इसी तरीके से बैक्टीरियल ब्लाइट होता है, किसमें, चावल में, पैडी फील्ड में बैक्टीरियल ब्लाइट होता है। तमाम बीमारियां हैं, सवाल उन्हीं पर पूछेंगे जिनका वर्णन एनसीईआरटी में है, इसलिए इधर उधर की नहीं सोचना है। डिवीजन, इन्होंने बताया कि विभाजन हो रहा है बाइनरी फिजन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए के ट्रांसफर तक ही सीमित है, किसी भी प्रकार का स्पर्म या एग का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए रिप्रोडक्शन में डिग्री ऑफ सेक्सुअलिटी बहुत ही प्रिमिटिव लेवल का है, नो स्पर्मेटोजोआ एंड नो एग। ध्यान रहे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू डीएनए ट्रांसफर ओनली एंड दिस टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन। दो बैक्टीरिया एक दूसरे से मिलेंगे, इनका ये चोंच ऐसे निकलेगा, बाद में चोंच के बीच की दीवार फ्यूज हो जाएगी, इनका डीएनए ट्रांसफर होकर इस सेल के अंदर आ जाएगा, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लिया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट लिमिटेड अप टू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए ओनली। केवल एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए के ट्रांसफर के आधार पर मान लिया जाता है कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चुका है। ये बात कहां लिखी है, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। और एक बैक्टीरिया दूसरे से मिलेगा, इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहेंगे। कॉन्जुगेशन के दौर में एक बैक्टीरिया के शरीर से डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के शरीर में डीएनए यहां से मूव कर जाएगा। यह आपकी सेल ए है, यह आपकी सेल बी है, इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन होगा, एक का डीएनए निकलकर दूसरे में चला जाएगा और डीएनए के इस ट्रांसफर को ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लिया जाता है। यहां पर ना तो स्पर्म बनता है और ना ही एग बनता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अदर ओनली। एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे में डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो अब माइकोप्लाज्मा को जरा चर्चा में लाते हैं। माइकोप्लाज्मा भी मोनो, ये मोनेरा में रखे गए हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। खास बात इनके साथ ये है कि ये दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। PPLO फुल फॉर्म प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर होते हैं। सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स इस संसार में पाए जाते हैं और नाम है इनका PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। जी हां, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO कंप्लीट हो गया यहां तक। और इस तरीके से किंगडम मोनेरा पर हमने विजय प्राप्त कर लिया है। समझ गए सारी बात, जितने सवाल इस पर आने थे आप भी अभ्यस्त हो गए होंगे हमारे तरीके से तेजी से रिवाइज करने के लिए। अब आइए और नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। ये चैप्टर आज हम खत्म कर लेंगे या नहीं, सोच के बताओ। कितना बज गया है, 8:40
हमारे पास अभी 50 मिनट है, 50 मिनट्स रिमेन, चैप्टर खत्म होगा कि नहीं? हो जाएगा, हमारे साथ बने रहो। अब चलो और बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, बहुत ही छोटा किंगडम है, एक मिनट में उड़ा देंगे इसको। आइए अब इस पर बात करते हैं, कौन सा ग्रुप है? हैं किंगडम प्रोटिस्टा। क्या कहा गया इनके बारे में? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका शरीर एक कोशिका का बना है और वो यूकैरियोटिक है। ऑर्गेनिजम्स द बॉडी ऑफ व्हिच मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दैट इज ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेल का बना हो और वो सेल कैसी हो? यूकैरियोटिक हो। तो नाम क्या देंगे इसको? इट इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में आप ध्यान दीजिए, इनके पॉइंट्स पर विचार करिए, लाइनों का ध्यान रखो भैया। माया जाल सबसे ज्यादा किस चीज का है? आपको हराएगा अगर कोई, तो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हराएंगे आपको। प्रोटिस्टा, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। एक ही सेल के हैं, यूकैरियोटिक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब देखो इस पर स्टेटमेंट पूछा जाता है, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। क्यों? हम चर्चा कर चुके हैं, इनकी बाउंड्री को डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ में रखा हुआ पैरामीशियम और अमीबा को प्रोटिस्टा में रखे गए यूनिसेलुलर एल्गी के साथ रखा गया है। उधर से उठाया एल्गी का कौन? क्लेमाइडोमोनास, जो कि प्लांटी में होना चाहिए था, इसलिए उठा लिया कि एक सेल का है, यूकैरियोट है। और दूसरी तरफ एनिमल किंगडम से उठा लिया किसको? पैरामीशियम को। कैसा है? एक सेल का है और यूकैरियोट है। मात्र इस फीचर के आधार पर कि वो यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, तो पता लगा किंगडम एनिमेलिया से पैरामीशियम को उठा लिया और किंगडम प्लांटी से क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को उठा लिया, और दोनों को ले गए, उठा के रख दिया कहां पर? प्रोटिस्टा में। तो कहने भैया इसकी बाउंड्री तो डिफाइंड है ही नहीं, कोई भी आ रहा जा रहा है। ये बात अपने आप में सही है। तो कह रहे हैं व्हाट मे बी द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिकल बायोलॉजिस्ट, मे बी ए प्लांट, इसको प्लांट मान ले या इसको हम एनिमल मान ले, तो ये विवाद का विषय है। अब दिस ग्रुप इंक्लूड्स क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा, इसमें रखा गया है। कितने ग्रुप को रखा गया है, एक एक करके हम देखेंगे। पहला ग्रुप यहां पर है क्राइसोफाइटा, इनको हम डायटम्स भी कहते हैं, इनको डेस्मिट्स भी कहते हैं। देखो लिखा है डायटम कहते हैं, गोल्डन एल्गी कहते हैं, या इनको डेस्मिट कहते हैं। दोनों प्रकार के पानी में पाए जाते हैं, मैरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर, दोनों जगह पर पाए जाते हैं। अब देखो यहां तक सवाल पूछा जाता है स्पेशलाइज करके कि ये फ्रेश वाटर है या मैरीन है, तो दोनों प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। डायटम्स कैसे होते हैं? ये प्लैंकटॉनिक फॉर्म होते हैं। देखो प्लैंकटॉन कौन होते हैं? जो पैसिवली पानी पर फ्लोट करते हैं, पैसिव दे आर। ये फ्लोट पैसिवली का मतलब क्या हो गया? पानी पर उतराते हैं, अपने दम पर नहीं तैरते हैं, पानी जिधर जाएगा उधर ये चले जाएंगे, पानी जिधर बह कर जाएगा उनके साथ ये भी चले जाएंगे, लेकिन ये अपने दम पर मूव नहीं करते। क्यों? इनके पास मूवमेंट का कोई ऑर्गेन नहीं पाया जाता है। तो जो डायटम्स होते हैं, दीज डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ऑर्गेन फॉर मूवमेंट, सो दे फ्लोट पैसिवली ऑन द वाटर सरफेस एंड कॉल्ड एज प्लैंकटॉन्स। तो प्लैंकटॉन कौन होते हैं? जो पानी की सतह पर पैसिवली फ्लोट करते हैं, उतराते हैं, तैरते नहीं। फ्लोट करने का मतलब तैरना नहीं है, तैरना तो स्विमिंग है, और स्विमिंग तब होगी जब इनके पास स्विमिंग के लिए कोई ऑर्गेन होगा, फ्लैजिला हो। फ्लैजिला है नहीं, सिलिया है नहीं, तो पानी पर ये फ्लोट करेंगे, उतराएंगे, उतराना, पानी जिधर जाएगा उधर ये चले जाएंगे, इसलिए इनको प्लैंकटॉनिक फॉर्म कहा जाता है। अगर ये प्लांट्स के रूप में है तो फाइटोप्लैंकटन, और अगर ये एनिमल के फॉर्म में है तो जू प्लैंकटन होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, कह रहे हैं कि ज्यादातर कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दे हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए दीज हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इनमें क्या है? तो कह रहे हैं कि साहब मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म द टू थिन ओवरलैपिंग सेल। देखो ये मल्टीपल स्टेटमेंट का सवाल है, इनकी सेल वॉल दो ओवरलैपिंग सेल्स से मिलकर बनी है, ऐसे जैसे हमारी हथेली है, एक ये दूसरी है, ऐसे ये ओवरलैपिंग,
ऐसे खुलते हैं जैसे साबुनदानी खुलती है। साबुनदानी जानते हैं, खोला है सोप बॉक्स बाथरूम में, नहीं समझते हैं साबुनदानी, नहीं जानते, जान गए। ये ऐसे देखिए, इसको बंद किया ऐसे, या फिर ऐसे खोल दिया, ऐसे खोल दिया, तो इनकी सेल वाल ओवरलैप करती है एक दूसरे पर ऐसे, जैसे सोप बॉक्स खुलता है। और इनकी सेल वाल की खास बात यह है कि इसमें सिलिका पाया जाता है, सेल वाल में सिलिका है, जिसकी वजह से इनकी सेल वाल इनडिस्ट्रक्टेबल है। इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब डिस्ट्रक्टेबल माने जिसको तोड़ सकें, लेकिन इनकी सेल वाल को डैमेज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें सिलिका पाया जाता है, इसलिए इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड। जब ये मरते हैं तो जमीन पर अपना ढेर सारा मटेरियल डाल जाते हैं, और उसको हम उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डायटमेसियस अर्थ कहते हैं, अंडरलाइन और हाइलाइटेड। जब कभी भी डायटम, चूंकि पानी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो जिस समय ये मरते हैं वहां पर इनके बॉडी का जो स्केलेटन होता है, चूंकि उसमें सिलिका होता है, वो डिपॉजिट होगा। आपको मालूम है कि सिलिका सैंड में होता है, बालू में और चट्टान में होता है सिलिका, तो वहां पर जो जमीन बनती है, जो चट्टान बनती है, उसको हम डायटमेसियस अर्थ कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डायटमेसियस अर्थ। आप में से कुछ लोगों को छावा पत्थर के बारे में पता होगा। छावा पत्थर एड़ी साफ करने के लिए लाते हैं, आप अपनी एड़ी को रगड़ कर साफ करने के लिए, ग्रिटी होता है वो मिट्टी का। और इसी से, अगर आपको याद हो, अभी बीच में जब आरओ आया है, आरओ आने के पहले प्योर ईट आता था, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी मैकेनिज्म उसमें नहीं थी, बस वो पानी को फिल्टर करता था। तो फिल्टर करने के लिए वो छोटा सा स्टोन लगा रहता था जिसमें बारीक छिद्र होते थे, और पानी उससे होकर के वो बैक्टीरिया फ्री फिल्टर कहलाता था, कि वो बैक्टीरिया को रोक लेता था, छिद्रों का आकार इतना छोटा होता था, तो इसलिए सारे जर्म्स जो होते थे वो फिल्टर आउट होकर अलग हो जाते थे और फिर हम उनको यूज करते थे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही ये इनके वो स्टोन के छोटे छोटे ये पार्टिकल्स, ये ग्रिटी होने के कारण अब इनको हम यूज करते थे किसमें, पॉलिश करने में। जैसे आप अपने घरों में लेबर लगा लेते हैं और लकड़ी की पॉलिश कराना होता है, तो पहले वो रेगमाल मांगता है आपसे, और रेगमाल से रगड़ कर क्या करते हैं, खूब रेगमाल से रगड़ करके और आपके फर्नीचर की सतह को चिकना कर देते हैं, बाद में उस पर पॉलिश करते हैं। तो फिर यहां पर ये पॉलिश करने के लिए, उसको रगड़ कर साफ करने के लिए यूज होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, हमने आपको बताया प्योराइट, प्योरिट में जैसे पानी का फिल्ट्रेशन होता था, तो उसी प्रकार से यहां पर तेल को छानने के लिए, सीरप्स को इनके सबके लिए यूज किया जाता है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। समुद्र में डायटम्स की मात्रा बहुत ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की सारी जिम्मेदारी, समुद्र में जितना प्रकाश संश्लेषण होता है उसका मेजर रोल यही प्ले करते हैं, कौन, डायटम्स। अब आप देखेंगे कि इस छोटे से पैराग्राफ में हर लाइन पर सवाल है, हर लाइन पर सवाल है। पहला सवाल बना इनका नाम डायटम है, पहला सवाल यही हो गया कि डायटम्स है, इनको गोल्डन एल्गी कहते हैं लिखा हुआ है, टेस्मिट्स भी कहते हैं, ये सब नाम पूछ लेंगे। दूसरा सवाल, इनकी सेल वाल में सिलिका है, इनको प्लैंकटन भी कहते हैं, पानी के सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं, सिलिका होने के कारण सेल वाल बहुत मजबूत है, तोड़ नहीं पाएंगे आप उसको। जब ये मरेंगे तो मिट्टी में सिलिका डिपॉजिट होगी, तो एक चट्टान का रूप ले लेंगे, जिसको डायटमेसियस अर्थ कहते हैं। इस डायटमेसियस अर्थ का उपयोग क्या है, रगड़ कर साफ करने में, सरफेस को पॉलिश करने में, फिल्टर करने में, इन सब में। और समुद्र में डायटम सबसे ज्यादा चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितना प्रकाश संश्लेषण समुद्र में होता है उसका मैक्सिमम डायटम्स करते हैं। बात समझ में आ गई होगी? ठीक, अब बात करेंगे हम डायटम्स की बात। अगला जो ग्रुप है प्रोटिस्टा में, वो कौन है, वो है डाइनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट, अगला ग्रुप डाइनोफ्लैजेलेट्स का है। सेवा में हाजिर, आ गया डाइनोफ्लैजेलेट। चैप्टर खत्म होगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। कितना टाइम है अभी? अभी बहुत टाइम, अभी 40 मिनट है हमारे इस चैप्टर में, 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है, इस चैप्टर का 70% हमने फाइनल कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं किस पर, डाइनोफ्लैजेलेट्स। सब अंडरलाइन करना है बेटा, इसको अंडरलाइन करते जाइए, और याद रखना है, इसको खाली अंडरलाइन नहीं करना है, इसको याद भी रखना है। ये ऑर्गेनिज्म जो डाइनोफ्लैजेलेट, नाम फ्लैजेलेट्स है, मतलब क्या हुआ, फ्लैजिला, फ्लैजिला
प्लस एटा। अब एटा माने क्या हुआ, एटा माने बियरिंग और फ्लैजिला माने, फ्लैजिलेटा माने क्या हुआ, फ्लैजिला को धारण करने वाले ऑर्गेनिज्म। तो इनके नाम से स्पष्ट हो गया कि इनमें लोकोमोशन के लिए ऑर्गेन पाया जाएगा, मूवमेंट के लिए, जबकि डायनोफ्लैजिलेट्स में इसमें क्या नाम है क्राइसोफाइट्स में नहीं था, इसलिए वो पानी पर उतराते थे, ये तैरेंगे, इनमें फ्लैजिला है, देखो ये फ्लैजिला है, इनमें फ्लैजिला है, इसलिए ये पानी में तैरेंगे। मोस्टली मैरीन, यहां पर ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे, मोस्टली मैरीन, क्राइसोफाइट्स में वो फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों थे, यहां पर मोस्टली मैरीन है, केवल समुद्री पानी में होते हैं। और कौन सी बात है यहां पर, अब इनमें दे अपियर येलो, अब इनमें अलग अलग प्रकार का पिगमेंट होता है, ग्रीन होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लू होते हैं या रेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सेल वॉल है जो स्ट्रिप सेलुलोज, सेलुलोज की प्लेट पाई जाएगी आउटर सरफेस पर, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब दो फ्लैजिला है, इनमें से एक लॉन्गिट्यूडनल है और दूसरा कैसा है, ट्रांसवर्स है, एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा कौन सा, ये फ्लैजिला है, और दूसरा फ्लैजिला कौन है, ये वाला है। तो एक तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे, और दूसरा ट्रांसवर्स हो गया, इस प्रकार पाया जाएगा। समझ में आ गई है बात, आगे अब इनमें से एक डायनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड कलर का है, रेड टाइड के लिए जिम्मेदार है, देखो लिखा है रेड टाइड, कभी कभी पानी का कलर रेड हो जाता है पूरी तरीके से, ये रेड टाइड के लिए जिम्मेदार है, नाम है गोनिया लक्स, डायग्राम में भी वही बना हुआ है, ये गोनिया लक्स नाम का है, ये रेड टाइड के लिए जिम्मेदार है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि पानी कैसा होने लगता है, पानी रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी में रेड कलर का पिगमेंट है, और संख्या ज्यादा होने से पूरा का पूरा पानी रेड हो जाता है, राइट, इसलिए इन्हें कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, अब अगला जो हमारा ग्रुप है उसका नाम है, अब करेंगे इनसे, देखिए इस लाइन पर भी सवाल बनेगा, टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स, ये मछलियों के लिए पॉइजनस है, मछलियां मरने लगती हैं जहां पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट, यूग्लिनोइड, यूग्लिना के बारे में कौन नहीं जानता, कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं। यूग्लिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, इट हैज द फीचर्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बोथ। ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, इस बात को ध्यान रखेंगे, इनमें ज्यादातर संख्या किसकी है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की है, इनमें ज्यादातर संख्या फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म की है, ज्यादातर फ्रेश वाटर होते हैं। सेल वॉल पाई जाएगी, सेल वॉल तो है, प्रोटीन का बना हुआ एक और आवरण बाहर से इनमें होता है, इनमें बेटा तीन चीजें हैं, सेल वॉल है क्योंकि ये प्लांट करेक्टर है, फिर अंदर अंदर सेल मेम्ब्रेन है, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन है, अब इनके बाहर एक कवर है प्रोटीन का बना हुआ, बाहर एक कवर है प्रोटीन का बना हुआ, ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का कारण है, स्पाइरल थिकनिंग होती है इसमें, इसे हम बोलते हैं पेलिकल। तो आप में यूग्लिना में एक तो सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की है, और एक सब विशेष बात, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए अर्थात बॉडी को काफी लचीला करने के लिए इनमें कवर पाई जाती है, वो किस चीज की कवर होती है, दैट इज ऑफ प्रोटीन एंड इज कॉल्ड एज पेलिकल। तो प्रोटीन की बनी हुई पेलिकल यहां पर पाई जाती है जो बॉडी को फ्लेक्सिबल रखती है, लचीलापन इनको देती है। इन सभी पर सवाल बनेंगे, याद रखना इसको, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, देखो लिखा है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, दे हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, देखो ये वाला छोटा है शॉर्ट फ्लैजिला, और ये कौन है, ये लॉन्ग फ्लैजिला है, एक न्यूक्लियस है सेल के अंदर, फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, फोटोसिंथेटिक है, इनमें क्लोरोफिल होता है, सनलाइट का उपयोग, इसलिए इनको हेटरोट्रॉफ भी कहते हैं और ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं, तो ये कुल मिलाकर के मिक्सोट्रॉफ हो जाते हैं। ये मिक्सोट्रॉप्स हो जाते हैं,
मिक्सो माने होता है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये मिक्स्ड न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉप्स भी हैं, सूरज की रोशनी मिलने पर फोटोसिंथेसिस करेंगे, नहीं मिलने पर एनिमल आइस की तरीके से व्यवहार करते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करने लगते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े या जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको निगलने का प्रयास करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो आपको समझ में आ गया, और एग्जाम्पल है यूग्लिना इस ग्रुप का। चलिए इसके आगे अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर, नेक्स्ट। अब हमें बात करनी है किस पर, अगला ग्रुप है जिसका नाम क्या है, स्लाइम मोल्ड्स। प्रोटिस्टा में अगला ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स। छोटे से पैराग्राफ में 2 से 3 क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है, इसे छोटे से पैराग्राफ में 2-3 सवाल बन जाएंगे, एक एक सवाल पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, यही सवाल सबसे पहला है। सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का नाम बताओ, तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट का नाम स्लाइम मोल्ड निकलकर आएगा, पहला क्वेश्चन है। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जी हाँ इस पर भी सवाल बना है। पानी में सड़ने वाले लकड़ी के लट्ठे पर ये मूव कर रहे होते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ये कौन है, डिकेइंग लॉग है। लॉग माने लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा है जो पानी में सड़ रहा है उसी पर ये मूव कर रहे होते हैं, ऐसा भी सवाल बनेगा। फिर कह रहे हैं अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, माने समूह बनाते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, इस कॉलोनी का नाम प्लाज्मोडियम होता है, ये है लिखा है देखो दिस वन। तो इनकी कॉलोनी सुटेबल कंडीशन में कॉलोनी का नाम प्लाज्मोडियम, अकेले नहीं होते, संख्या में एक से अधिक होते हैं, तब इनको हम प्लाज्मोडियम नाम की कॉलोनी बनाते हुए देख सकते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। चलिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल, भैया यहां अंडरलाइन करो, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या काम हो रहा है, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी बेयरिंग स्पोर्स एंड देयर टिप्स। ये जो फ्रूटिंग बॉडी होते हैं ना, समझते हैं, आपने मशरूम देखा होगा, देखा है ना मशरूम, मशरूम के स्पोर और उनके माइसिलियम जब तक मिट्टी के नीचे रहते हैं आपको दिखाई नहीं पड़ते, यस, फ्रूटिंग बॉडी, समझिए बात को, कौन है फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ये मशरूम होता है ना, देखिए मिट्टी के नीचे इसका माइसिलियम होता है, मिट्टी के नीचे माइसिलियम, लेकिन बाहर ऊपर की तरफ ये निकले होते हैं। तो जैसे आप मशरूम देखे हो तो मशरूम एक फ्रूटिंग बॉडी है, ऐसा ही स्ट्रक्चर इनमें बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, प्लाज्मोडियम से डिफरेंशिएट होता है और इनसे स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है, स्पोर फॉर्मेशन इनमें होता है। ये स्पोर्स कौन होते हैं, इनमें ट्रू वाल पाए जाते हैं, कोई स्पोर की क्वालिटी भी पूछते हैं कि इनमें जो स्पोर्स बन रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, तो बताया जाता है कि साहब जो स्पोर्स बन रहे हैं उनमें वास्तविक सेलवाल पाई जाती है, ओरिजिनल सेलवाल होती है या ट्रू सेलवाल पाई जाती है। देखो लिखा हुआ है स्पोर्स पोजेस ट्रू सेलवाल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव टू मैनी ईयर्स, कई सालों तक एयर करंट में ब्लोन करते हैं, हवा में उड़ के कहीं पर गिरेंगे और अपनी कॉलोनी बना देते हैं, कई सालों तक सर्वाइव करते हैं, कौन, स्लाइम मोल्ड्स, कहानी खत्म। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में इतने सवाल बनेंगे, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, इनके एग्रीगेट्स को प्लाज्मोडियम कहते हैं, कॉलोनी तभी बनेगी जब सुटेबल कंडीशन होगी, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिनसे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी से बनते हैं, राइट, ट्रू वाल है, हवा में उड़कर दूर तक जाते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं पानी, टेम्परेचर और विभिन्न प्रकार के एडवर्स कंडीशन से, और ये सर्वाइव कराते हैं इसको। अगला ग्रुप है प्रोटोजोआ का, आपको मालूम है कि प्रोटोजोआ को निकालकर एनिमल में रखा गया है, प्रोटोजोआ को तो एनिमल में रखा गया है लेकिन जबरदस्ती इनको उठा करके प्रोटिस्टा में रखा गया है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। इनके जो ग्रुप्स हैं इनमें से पहला जो ग्रुप है अमीबॉइड ग्रुप है, देखें कितने हैं यहां पर अमीबॉइड, ये देखेंगे आप इसमें है अमीबॉइड ग्रुप है, पहला ग्रुप अमीबॉइड है, अमीबा वाला ग्रुप है, अमीबा का ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स,
दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये सब आप याद कर सकते हैं आराम से। अमीबा है इसका उदाहरण, विभिन्न प्रकार के अमीबा है। फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स में आप देखेंगे तो फ्लैजेलेट प्रोटोजोन्स में से ट्रिपैनोसोमा होता है, आपको याद रखना है ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस के लिए जिम्मेदार है। मोनोसिस्टिस है, ट्रिपैनोसोमा इस ग्रुप में आते हैं ये सब। एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, सो दीज आर कॉल्ड फ्लैजेलेट्स। सिलिएट प्रोटोजोन्स में एग्जाम्पल है पैरामीसियम, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से लोअर क्लासेज में पढ़े हैं। अब बात करेंगे, इनमें सीलिया होता है और इनका जो इंटीरियर पोर्शन है वो एक गट के रूप में अंदर की तरफ धंसता है। आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन इज, तो आप बताएंगे पैरामीसियम है। लिख लीजिए आप, मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोन इन स्ट्रक्चर, इसका नाम है पैरामीसियम। पैरामीसियम स्ट्रक्चर के मामले में सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल इन स्ट्रक्चर इज पैरामीसियम। सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ये पूछा जाएगा आपसे। अब भैया कॉम्प्लेक्स क्या होता है, समझ लीजिए बात को, व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स। ये आपका पैरामीसियम है चप्पल के आकार का, कैसा होता है चप्पल के आकार का, यहां माउथ है, भला बताओ एक ही सेल में माउथ भी पाया जाता है, वाह कितने नोटोरियस हैं ये। तो एक ही सेल में माउथ है तो नाम पड़ेगा इसको साइटोस्टोम। इसे क्या नाम देते हैं, ये है साइटोस्टोम। अब माउथ है तो एलिमेंट्री कैनाल जैसा स्ट्रक्चर भी है अंदर, ये देखिए। अब इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे, साइटोफेरिंग्स। वाह वाह, किसी से कम नहीं है, इक्कीस सेल है लेकिन नखरे इनके देखो जरा, ये सारे स्ट्रक्चर रख रहे हैं, माउथ भी है और फेरिंग्स एलिमेंट्री कैनाल जैसा स्ट्रक्चर, साइटोफेरिंग्स कहेंगे। यहां पर सीलिया होते हैं, पूरी बॉडी में सीलिया होते हैं, इसलिए इनका नाम सीलिएट पड़ा। दो न्यूक्लियस है, एक छोटा और दूसरा बड़ा, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल वगैरह, आप इस पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ाना है हमें। ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि पैरामीसियम जो होता है ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, भोजन को ग्रहण करने के लिए इसमें माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, सो इट इज कॉल्ड एज साइटोस्टोम एंड इट इज कवर्ड विद सीलिया, राइट। ये बॉडी इसकी एक ही सेल की है लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ ये कहलाता है, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नंबर आता है अगला ग्रुप जो प्रोटोजोन्स का है, वो कौन है, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ अगला ग्रुप है, ये ग्रुप है स्पोरोजोआ का। जोआ माने एनिमल, स्पोर माने पैदा करने वाले, बीजाणु पैदा करने वाले, ऐसे एनिमल्स जो स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर पैदा करते हैं। इस ग्रुप के सभी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपको नोट करना है। ऑल दी स्पोरोजोवंस आर पैरासाइट, कोई भी मेंबर और दूसरा जीवन नहीं जिएगा, सबके सब पैरासाइट है इन नेचर, और कोई दूसरे जीवन का स्तर है ही नहीं, सबके सब। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि प्रोटोजोआ में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसके सभी मेंबर पैरासाइट्स हैं। इसी में मलेरियल पैरासाइट आता है, आपका मलेरियल पैरासाइट इसी को बिलोंग करता है, मलेरियल पैरासाइट। नाम क्या है उसका, इसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये मलेरियल पैरासाइट है जो स्पोरोजोआ ग्रुप को बिलोंग करता है, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने आपको मोनिरा और प्रोटिस्टा दो किंगडम पढ़ा लिया है। अब नंबर आता है तीसरे किंगडम का जिसका नाम फंजाई है, थर्ड किंगडम दैट इज फंजाई। अभी से समय है 25 मिनट्स, फंजाई के लिए पर्याप्त है। और किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी दोनों के लिए अलग ग्रुप है, एक है प्लांट किंगडम दूसरा है एनिमल किंगडम, उसे आगे पढ़ेंगे, खाली फंजाई पढ़ना है।
और वायरस में बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो भी देख लेंगे। अरे थोड़ा बहुत बच जाएगा, कसम थोड़ी ना खाया है, लेकिन मैक्सिमम खींचा है मैंने, ठीक है। और सबका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा है। आइए किंगडम फंजाई पर बात करें। भैया दिल थाम लीजिए, अगला किंगडम शुरू होने जा रहा है, नाम है फंजाई। नाम है फंजाई, ये अगला किंगडम है, किंगडम नंबर तीसरा। पहला कौन था? मोनेरा। दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम कौन है? फंजाई। कौन से? ये भी है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। सेल यूनिसेलुलर भी हैं। एग्जाम्पल है ईस्ट का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, एग्जाम्पल है ईस्ट। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल ईस्ट का है, मल्टीसेलुलर भी है। सेलवाल कैसी है? काइटिन की बनी है प्लस पेक्टोज। काइटिन अनिवार्य रूप से, सभी फंजाई की सेल वाल में काइटिन अनिवार्य रूप से है। हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। एक सेल के बने होंगे, एग्जांपल है ईस्ट। एक से अधिक सेल के बनेंगे तो फिर ये जो सेल है ये फिलामेंट का रूप ले लेती है। अगर एक ही सेल के हैं तो प्लांट बॉडी फिलामेंटस होगी, ठीक है। मल्टी सेलुलर जो है, मल्टी सेलुलर फंजाई फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? ये सभी फिलामेंटस होते हैं, यहां तक नोट करो, आगे बता रहे हैं। मल्टी सेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। ये फिलामेंट क्या होते हैं? एक से अधिक सेल लाइन से जुड़ती हैं, ऐसा। नाम क्या है? हाइफा कहते हैं इसको। एक से अधिक सेल से मिलकर बनने वाला फिलामेंटस स्ट्रक्चर हाइफा कहलाता है, HYPHA। ये हाइफा, ऐसा भी, इस हाइफा को क्या नाम दे रहे हैं? ये है सेप्टेट। क्यों है भैया? क्योंकि दोनों सेल के बीच में पार्टीशन वाल है। अगर दो सेल के बीच में पार्टीशन वाल है तो फिलामेंट कैसा है? फिलामेंट को क्या बोलेंगे? हाइफा। हाइफा में अगर दो सेल के बीच में पार्टीशन वाल है, इसको सेप्टेट कहेंगे। देखो दिखा है सेप्टेट। अगर ये सेप्टेट है तो ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार का, ऐसा। पहले वाले और दूसरे वाले में क्या अंतर है? ये ब्रांच है, ये सेप्टेट है और इसमें ब्रांचिंग है। और एक बात सही है बेटा, इसको भी जान लो, ये कैसा है? मोनोकैरियोटिक है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिए ये टर्म, मोनोकैरियोटिक। कैसा है ये? ये है मोनोकैरियोटिक। एक से अधिक सेल का बना हुआ तो फिलामेंटस बॉडी है, पार्टीशन वाल है, इसलिए सेप्टेट कहेंगे। और सीधा है तो स्ट्रेट है, अदरवाइज ब्रांचिंग है तो ब्रांच्ड होता है, मोनोकैरियोटिक और सेप्टेट। एक सेल में एक न्यूक्लियस तो मोनोकैरियोटिक होता है। इतनी बात समझ गए? अब इसी से लगा हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको माइसिलियम कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइफा एंड माइसिलियम? यस नो? नहीं पता है आप लोगों को भी, हो सकता है ना बताओ, तो आप चलिए हमारे साथ समझिए कि हाइफा और माइसिलियम में क्या अंतर होता है। बहुत ही बारीक डिफरेंस, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, समझ लिए होंगे। देखो बेटा हमें कोई जल्दी नहीं है, हम इसी स्पीड से चलते रहेंगे, चैप्टर जितना खत्म होगा होगा, लेकिन आपको नॉलेज अच्छा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कोई चीज। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब
देखो एक तो ऐसे थे जो सिंगल सेल वाले थे जिनको हमने बोला ईस्ट, अब अगर मोर देन वन सेल है तो ये स्ट्रक्चर बनेगा फिलामेंटस। अब इस फिलामेंटस को सेप्टेट तब कहेंगे जो दो कोशिकाओं के बीच में पार्टीशन वाल है, तो सेप्टा हो गया। अब अगर एक सेल में एक न्यूक्लियस है तो मोनोकैरियोटिक बोलेंगे, और कैसा है इसमें ब्रांचिंग हो गई तो सेप्टेट ब्रांच्ड एंड मोनोकैरियोटिक हाइफा। इतनी बात समझ में आ गई। अब माइसिलियम क्या होता है, कलेजा थाम करके सुनने की कोशिश करिए कि माइसिलियम और हाइफा में क्या अंतर है। देखिए ये है हाइफा, इस स्ट्रक्चर का नाम माइसिलियम। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, सिंगल थ्रेड हाइफा, ग्रुप ऑफ थ्रेड्स माइसिलियम, मोर देन वन अगर एक से अधिक है, नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड एज माइसिलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज कॉल्ड एज माइसिलियम। माइसिलियम के नेटवर्क को हाइफा का, हाइफा के नेटवर्क को क्या बोलेंगे, माइसिलियम बोलते हैं। जहां पर एक से अधिक हाइफा का समूह है, ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड एज माइसिलियम। आप देख पा रहे हैं यहां पर, सबको समझ में आ गया। अब ये जो माइसिलियम होता है, माइसिलियम की तीन कैटेगरी है, प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम एंड टर्सियरी। ये तीन प्रकार का माइसिलियम होता है, नोट करते जाइए, प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम एंड टर्सियरी माइसिलियम, ये तीन प्रकार का होता है। प्राइमरी माइसिलियम, सेकेंडरी माइसिलियम एंड टर्शियरी माइसिलियम का यह कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है, लेकिन इस पैराग्राफ में लिखे हुए तथ्यों को समझकर आगे बढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करिए। द फंजाई कॉन्स्टिट्यूट द यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफ क्यों कहा गया, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। क्यों कहा गया हेटरोट्रॉफ, बिकॉज देयर इज नो क्लोरोफिल, इसलिए अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पाते, दूसरे पर निर्भर है। सो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, विभिन्नताएं इनको शरीर की बनावट में भी देखने को मिलेगी और इनके लाइफ स्टाइल में भी मिलेगी। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन द मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स, सड़े हुए फलों पर, सब्जियों पर, सड़ने वाले लकड़ी पर आपको देखने को मिलेंगे। द कॉमन मशरूम यू ईट, आप अपने घरों में मशरूम लेकर आते हैं, खाते हैं, एंड टोड स्टूल, ये पॉइजनस फंजाई होते हैं। टोड स्टूल कौन है, पॉइजनस फंजाई होते हैं। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीफ, सरसों की पत्ती पर सफेद रंग के धब्बे या सफेद रंग के सांप जैसे स्ट्रक्चर, जो लोग गांव के होंगे, सरसों के खेत में गए होंगे, पत्तियों पर इंफेक्शन देखा होगा फंजाई का, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है, वो कौन होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है, सफेद रंग के उसमें ब्लिस्टर्स बनते हैं, स्पॉट्स बनते हैं, ये सब क्या है, ये पैरासाइटिक फंजाई होते हैं। कह रहे हैं कि फंजाई यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जैसे ईस्ट है, अभी हमने आपको समझाया, एंड आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, मालूम है आपको। अदर फंजाई काज डिसीज, ये पैरासाइटिक होते हैं। सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनमें से कुछ एंटीबायोटिक बनाते हैं, जैसे पेनिसिलियम है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इन एयर वाटर एंड इन एनिमल्स एंड प्लांट, एनिमल और पौधों के शरीर पर ये पाए जाते हैं एक्टो या एंडो पैरासाइट के रूप में। दे प्रीफर टू ग्रो, जी हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो और नमी हो। जुलाई और अगस्त के महीने में फंगल ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, आपको फंगल बॉर्न स्किन डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं इस सीजन में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये सारी बात इनके बारे में कहा है, और कहा गया है कि अगर किसी भी मटेरियल को आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वहां पर फंगल ग्रोथ नहीं होती, क्यों? क्योंकि फंजाई में टेम्परेचर बहुत कम होता है और वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं होती, वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने वाला होता है, इसलिए वहां फंगल ग्रोथ नहीं होती। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, व्हिच आर यूनिसेलुलर, ईस्ट को छोड़ दें, बाकी सभी कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हाइफा कहा जाता है। देखो ये बात इन्होंने लिख दिया, द नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसिलियम, देखो यहां लिखा है, अभी हमने जो समझाया है ये वाला, सिंगल है तो हाइफा और नेटवर्क है तो माइसिलियम। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद द मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म वो कौन होते हैं, इनको सीनोसाइटिक हाइफा कहा जाता है। देखो ये लिखा है टर्म, सीनोसाइटिक, सीनो माने फ्यूज, साइटिक माने सेल, फ्यूज होती है। इस स्ट्रक्चर को समझिए, यहां से यहां पर देख रहे हैं बीच में पार्टीशन वॉल है, एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है आप देख पा रहे हैं, लेकिन अगर बीच का सेप्टा गायब हो जाए तो कैसा होगा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हो जाएगा, एसेप्टेट हाइफा बोलेंगे इसको, कैसा बोलेंगे, एसेप्टेट हाइफा, इसी का नाम है सीनोसाइट। सीनो माने क्या होता है, फ्यूज्ड, साइट माने सेल, सेल्स में पार्टीशन वाल बीच में नहीं है तो आपस में फ्यूज हो जाती है। अब जब फ्यूज हो जाती है तो ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दिखने लगता है, देखिए बीच में पार्टीशन वाल हटा दिया तो ऐसा लगेगा, अब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे लग रहा है जैसे एक सेल है और कई न्यूक्लियस है, तो एक से अधिक कोशिकाएं आपस में फ्यूज हो गई हैं और एक ही प्रेमाइसेज में एक से अधिक न्यूक्लियस है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मल्टी कैरियोटिक, मतलब कि कई न्यूक्लियस है इसमें और ये सीनोसाइटिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये जो टर्म यहां पर सीनोसाइट लिखा है इसका मतलब आप समझ जाइए, कहां पे बता रहे थे, ये है सीनोसाइटिक हाइफा। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर, ये भी हम आपको समझा चुके हैं। अब फिर इसके बाद इनके फीडिंग हैबिट को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, फीडिंग हैबिट को लेकर के कि ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं या लाइकेन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर यूज किया है, म्यूचुअलिज्म शो करने वाले होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक का नाम होता है लाइकेन। फंजाई में एल्गी के साथ अगर पार्टनरशिप हो जाए तो नाम होता है लाइकेन। पार्टनर कौन कौन होते हैं यहां पर, पार्टनर होते हैं एक तो एल्गी होता है, कौन सा एल्गी, ग्रीन, क्या करेगा, भोजन इनको उपलब्ध कराएगा बनाकर, और दूसरा पार्टनर कौन होता है, फंजाई। इन दोनों का आपस का संबंध क्या कहलाता है, एल्गी और फंजाई का यह रिश्ता क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज लाइकेन। दोनों का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे के लाभकारी होते हैं। फंजाई इनको क्या देता है, इनको फंजाई क्या देता है, फंजाई इनको देता है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, इनको देता है, और एल्गी चूंकि हरे रंग के होते हैं तो ये इनको क्या देते हैं, ये इनको फूड देते हैं, भोजन, क्यों, क्योंकि फंजाई अपने दम पर फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, तो रेडीमेड फूड जो होता है एल्गी का बनाया हुआ भोजन फंजाई यूज करते हैं, और फंजाई बदले में इनको पानी और मिनरल देता है, दोनों का काम चल जाता है एक दूसरे से, एंड सच बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी इज कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, और इसका नाम है लाइकेन। समझ गए, इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इनका माइकोराइजा का होता है, ये माइकोराइजा कौन होते हैं, माइकोराइजा, यहां पर भी दो टर्म है, राइजा अलग कर लो और माइको अलग कर लो, माइको माने होता है फंगल पार्टनर फंजाई, और राइजा माने होता है रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स,
ग्रीन प्लांट का रूट और फंजाई का ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। राइजा स्टैंड फॉर रूट एंड माइको स्टैंड फॉर फंजाई। तो फंजाई और ग्रीन प्लांट्स के रूट्स के बीच का ये लाभकारी संबंध यहां पर माइकोराइजा कहलाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब फंजाई में रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फंजाई में रिप्रोडक्शन की। न्यूट्रिशन हमने आपको समझा दिया, या तो ये साइप्रोट्रॉप्स होंगे या ये फिर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जिस तरह मैंने आपको बताया, या फिर ये पैरासाइट होते हैं। न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप अगर हम देखें, न्यूट्रिशन इन फंजाई, पहला है पैरासाइट, दूसरा है साइप्रोफाइट और तीसरा है सिम्बायोंट। सिम्बायोंट में दो ग्रुप अभी हमने चर्चा किया, लाइकेन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है और दूसरा कौन है? माइको राइजा। पैरासाइट ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पर उगते हैं, वहां से भोजन लेते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और साइप्रोफाइट्स जो होते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भोजन प्राप्त कर रहे होते हैं। तो सबसे कॉमन जो मेथड होता है फंजाई में, मोस्ट ऑफ दी फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। राइट डाउन, मोस्ट ऑफ दी फंजाई आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर, मोस्ट कॉमन मेथड है ये, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन की जो विधि है वो साइप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है। मींस दीज टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नंबर आता है फंजाई में रिप्रोडक्शन का, नेक्स्ट कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। फंजाई में तीन विधियों से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन की तीन विधियां हैं, कौन कौन सी हैं? रिप्रोडक्शन कौन कौन सी विधि से हो रहा है? पहला वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किस तरह से होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन धागे हैं, फिलामेंट है, तो फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा और नए नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, फिशन और बडिंग ये यूनिसेलुलर फंजाई में होता है। फिजन, फिजन में बाय सेल डिवीजन, इन यूनिसेलुलर फंजाई जैसे कि ईस्ट में ऐसा काम होता है जहां पर सेल डिवाइड करती है, और बडिंग भी होती है। बडिंग में सेल डिवाइड नहीं होती, एक मुख्य सेल है, इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा यहां बनेगा, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और अपने पेरेंट से टूटकर अलग हो जाएगा और इस तरह से दो हो जाएंगे। ये सेल डिवीजन नहीं है, इसमें से एक छोटा सा सेगमेंट टूटकर अलग होता है। इट इज नॉट द नेचुरल मेथड ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन तो यहां पर बताया जो फिजन है, और बडिंग ये होता है। तो तीन विधियां हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तीन विधियां हैं। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन उनका होता है जो मल्टी सेलुलर और फ्रेगमेंट कैसे होते हैं, फिलामेंटस फंजाई होते हैं। जैसे मान लो कि ये मुख्य हाइफा है, अब ये टुकड़े में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे ऐसे इस तरह से, ये फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा? ऐसे फंजाई में होगा जो मल्टी सेलुलर और फिलामेंटस होते हैं, इनमें फ्रेगमेंटेशन से डिविजन होने, क्या नाम है, फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बाकी में क्या होता है? सेल का विभाजन होता है, फिजन, सेल डिवीजन, और ये यूनिसेलुलर फंजाई में होता है, और या फिर बडिंग होता है जैसे कि ईस्ट में होता है, ईस्ट में बडिंग भी होती है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की ये सारी कहानी है।
अब बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न प्रकार के स्पोर्स के द्वारा होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होते हैं। तो अगला मेथड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर फॉर्मेशन। समझिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, कॉपी कर लिया होगा इसको, ये सारा हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फंजाई में तीनों विधि से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव मेथड से, ए सेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव में तीन विधियां हो गई, बाई फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी में होता है, फिलामेंटस फंजाई में होता है, फिजन बाई सेल डिविजन एंड बडिंग, इस तरह से छोटे छोटे बड बनते हैं, मुख्य सेल से अलग होकर अपना काम चलाते हैं। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन से होता है। व्हाट इज द स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स होते क्या है? दरअसल में स्पोर्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट आर द स्पोर्स, ये स्पोर्स है, स्फेरिकल बॉडीज, ये भी स्पोर है। दोनों में क्या अंतर है? यूनिसेलुलर स्पोर्स और ये कौन है? बाईसेलुलर स्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स कोशिका की संख्या के आधार पर होते हैं। स्पोर्स का डेफिनेशन क्या है, स्पोर को कैसे डिफाइन करते हैं? कह रहे हैं स्फेरिकल सेल विद रेजिस्टेंट सेल वॉल एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ऐसी सेल जिसमें कि रिजर्व फूड है, अगर पेरेंट की बॉडी से अलग भी हो गया तो विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रह लेगा, क्योंकि खाने पीने का मसाला इनके साथ है। ऐसी सेल्स जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल पर्याप्त मात्रा में होता है कि अगर पेरेंट बॉडी से ये अलग हुए तो इनके सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दे कैन सर्वाइव, अपना जीवन गुजार सकते हैं, इसलिए इनको स्पोर्स का बीजाणु, हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणु। अगर एक सेल के हैं तो यूनिसेलुलर स्पोर, दो सेल के हैं तो बाईसेलुलर स्पोर्स। अब स्पोर्स की अगली वैरायटी भी होती है, स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, हैप्लॉयड और दूसरे कौन है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड में इनकी सेल में दो एन क्रोमोसोम है, इसमें एन है। सिंगल सेट में क्रोमोसोम है तो हैप्लॉयड स्पोर्स है, और डबल सेट में है तो डाइप्लॉयड स्पोर्स होते हैं। तो ये दो बिरादरी इनकी हो गई स्पोर्स की, किस आधार पर, कि इनमें क्रोमोसोम के नंबर डबल सेट में है या सिंगल सेट में, इस आधार पर। और स्पोर्स की तीसरी कैटेगरी भी है, यहां तक नोट कर लिया हो तो, तीसरी जो कैटेगरी है वो सेक्सुअल और ए सेक्सुअल स्पोर्स की है। हो गया, अब इसमें हम देखेंगे सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। पहली बिरादरी है ए सेक्सुअल स्पोर्स, एग्जाम्पल है कोनिडियो स्पोर्स, कोनिडियो स्पोर्स, जू स्पोर्स, ए प्लानो स्पोर्स, ये सभी इसमें आते हैं ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स में। और स्पोर्ट्स दूसरे भी हैं जिनका नाम सेक्सुअल स्पोर है, और इनके एग्जाम्पल हैं एस्को स्पोर्ट्स और बेसिडियो स्पोर्ट्स। अब यहीं पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से स्पोर्ट्स ए सेक्सुअल हैं और कौन कौन से स्पोर्ट्स सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं। समय होने को है, एक दो मिनट बचा हुआ है, हमारे पूरे प्रयास के बावजूद भी इस चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा बचा रह गया है, लगभग 20 मिनट का लेक्चर बाकी है। इसको हम अपने अगले लेक्चर में खत्म करके और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा, प्लांट किंगडम। यही तो है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद प्लांट किंगडम है जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर का वादा है, प्रयास करना अपना काम है, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है।
तो मैक्सिमम खींचा है हमने, 90% इस चैप्टर का कंप्लीट है, 10% रिमेनिंग है। फंजाई की थोड़ी सी बात बता करके और कुछ वायरस की बात करेंगे, ये 20 मिनट या 25 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा और इसके बाद प्लांट किंगडम हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा। बहुत फास्ट रिवीजन, बहुत काम का रिवीजन, बहुत मस्ती वाला लेक्चर है। अगर आप सीरियसली लेकर के इसे स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप सफल होने की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। खुद तो ज्वाइन कर लिए हैं, अपने और मित्रों को बताइए, उनको भी लाभ मिले आपके साथ। यद्यपि कॉम्पिटिशन का समय है, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपसे आगे जाए, लेकिन फिर भी सहयोग की भावना हो, ऊपर वाले पर विश्वास होगा, मेहनत अपना काम है, फल ऊपर वाले की इच्छा पर मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ और ये सेशन हमारा चलता रहेगा 5 मई के पहले तक, यानी मैं 30 अप्रैल तक इसे पढ़ाऊंगा, 30 अप्रैल तक। फिर 4-5 दिन बचेगा, आप एग्जाम देगा जहां तक, लेकिन इसी 30 दिन के अंदर हमें अच्छी तरह से विश्वास है कि हम आपके दोनों पेपर को लगभग अच्छी तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि मजा आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।